गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का जीआईएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वानुकम। फटाफट लिंक को शेयर करिएगा। एक और नया सवेरा, एक और नई एनर्जी, खूबसूरत जर्नी के साथ रीनल सिस्टम के सेकंड पार्ट को आज अपन कैरी ऑन करेंगे। नेक्स्ट टू आवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे, स्पेशली मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस पढ़ेंगे, फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट और एक्सेस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और इंबैलेंस पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनते हैं, तो फटाफट लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डू इट फास्ट। महिमा, अजय, आनंदा, बाबू, मीना, रामकुमार, बिट्टू कुमावत, सीमा, प्रियंका, कमलेश, कविता, दीपक, ट्विंकल, नरेश, पारुल, तरुण, छाया, संध्या, अशोक बिश्नोई, रामू, पायल, आरडी यादव, रॉयल नरेश, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑलमोस्ट यू आर क्रॉस्ड 500, लाइक करना ना भूले। फटाफट लाइक और शेयर करना ना भूले, देन विल गो फर्दर फॉर नेक्स्ट टू आवर। ओके, एक बार फिर आप सभी मेरे प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को वेरी गुड मॉर्निंग। एक शानदार थॉट के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये थॉट काफी हद तक प्रेजेंट सिचुएशन के लिए सुटेबल है। काफी बच्चों का कॉल और मैसेज आते हैं कि सर हम परेशान हैं, क्या करें क्या नहीं करें। मैंने पहले ही दिन कहा था, आप जेएनसी परिवार के मेंबर बने हो और आपको अपने डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए वो हर कंटेंट आप तक हम डिलीवर करेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। तो ये थॉट काफी हद तक सुटेबल है। आधा रास्ता चलकर वापस लौटने की कभी ना सोचो, आधा रास्ता चलकर वापस लौटने की कभी ना सोचो, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा रास्ता अपन ने तय कर लिया है। क्योंकि आपको लौटने के लिए भी उतनी ही रात तय करनी है जितनी मंजिल तक जाने के लिए, मतलब वापस आपको जितना आप जाओगे उतनी राह आपको आगे तय करनी है अपने गोल और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। जैसे जैसे टाइम करीब आएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेसर आपको स्ट्रेस बढ़ाता जाएगा, बिल्कुल ना घबराइएगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप और हम मिल करके, उस सारे कंटेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले एग्जाम में आएगा, बिल्कुल ना घबराए। बहुत सारी बुक्स देख के, बहुत सारे बच्चों के व्यूज सुन के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सबसे बेहतरीन और बेस्ट कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। सुबह 9 बजे से 1 बजे आप क्लास अटेंड करते हो, शाम को 6 बजे से 8 बजे आप क्लास अटेंड करो, लगभग 2.5 से 3 घंटे आप जेएनसी का पेपर सॉल्व करते हो, 10 आवर आप लगातार हार्डवर्क करते हो जेएनसी परिवार के साथ, इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा टाइम देते हो, तो आपकी सफलता जो है वो तय है। बस अच्छे वक्त का इंतजार करिएगा, अपना काम करते रहिएगा और नेवर गिव अप। वी हैव कैपेबिलिटी टू फाइट, we have capability to reach to the destination, to never think negative, will be positive, और आने वाला time है, आने वाला समय जो है वो आपका है। तो इसी खूबसूरत लम्हे के साथ further हम start करते हैं renal और urinary system का part 2 आज हम यहां पर पढ़ेंगे। last part में almost anatomy shortly अपन ने review किया था और आज से further हम disease condition में enter करेंगे। speed ज्यादा रहेगी। और एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे बच्चे जो है जेआईएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे नए आए होंगे, ये अभी जो यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स का मतलब होता है शॉर्ट टाइम में रिवीजन। आप कभी ये ना सोचें कि ये सफिशिएंट हो जाएगा, ये उन बच्चों को ज्यादा बेनिफिट देगा जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं। जो बच्चे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या रनिंग बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है
वो बेटर है, वो जाकर के जेआईएनसी का जो कंप्लीट कोर्स है, जेआईएनसी का जो कंप्लीट कोर्स है उसको परचेज करें, बेहतर होगा। और कंप्लीट कोर्स को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, रैशनल के साथ, 6 मंथ ड्यूरेशन के साथ रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे। एक एक माइनर टू माइनर पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया होगा और वहां पर वीकली टेस्ट भी होगा। तो वो कोर्स करने के बाद क्रैश कोर्स काफी इजी लगेगा। तो ये डिफरेंस जरूर देखिएगा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज अ क्रैश कोर्स, एमसीक्यू बेस्ड क्रैश कोर्स। और जो आप परचेज कर रहे हो, बहुत सारे बच्चों ने जेएनसी नर्सिंग से, बहुत सारे बच्चों ने कंप्लीट नर्सिंग कोचिंग परचेज किया, उन सबका शुक्रिया और धन्यवाद। आपको डिफरेंस इसलिए बता रहा हूं, काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट वहां मिलेगा, वो वहां नहीं मिलेगा। वहां रिकॉर्डेड HD क्वालिटी के वीडियोज मिलेंगे। जिन बच्चों ने परचेज किया आप उनसे कंसल्ट करें, एक एक टॉपिक को डिटेल में वहां पर डिस्कस किया होगा। और कम से कम 4 से 6 घंटे आप डेली वहां पर पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन और आपका 6 महीने का कोर्स पूरा होगा। तो बहुत फर्क है, रात दिन का फर्क है। तो इसी एक खूबसूरत खूबसूरत लम्हे के साथ स्टार्ट करते हैं। जेआईएनसी है तो भरोसा है, जेआईएनसी है तो क्वालिटी है, जेआईएनसी है तो सिलेक्शन है, और जेआईएनसी है तो मुमकिन है। लव यू ऑल। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। मैं कोर्स के बारे में आपको बताया था, इसका आज लास्ट डेट है, ऑफर का लास्ट डेट है, इस मौके को हाथ से ना जाने दीजिएगा, ऑफर का लास्ट डेट आज। ओके फाइन, फर्स्ट एमसीक्यू के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की इस खूबसूरत जर्नी के लिए। इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लंग्स। देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसेंसिबल कभी कभी इनविजिबल लॉस के नाम से पूछा जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है कि इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लंग्स इज 400 टू 600 ml, 600 टू 800 ml, देन 400 टू 600, 600 टू 800 ml, देन 1500 ml, देन 100 ml। फटाफट राइट आंसर पुट करेगा, फटाफट राइट आंसर पुट करेगा कि इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लंग्स कितना होगा, लंग्स के द्वारा इनसेंसिबल। देखिए बच्चों एक टर्म्स में यहां बता रहा हूं आपको, इनसेंसिबल, देखिए इनसेंसिबल को अपन इनविजिबल बोल सकते हैं, इनविजिबल लॉस बोल सकते हैं, दोनों एक ही टर्म्स है, दोनों एक ही टर्म्स है, बिल्कुल आप कंफ्यूज ना होना। इनसेंसिबल और इनविजिबल मतलब जब आप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हो उस समय आपके बॉडी से जो वाटर लॉस होता है उसको हम इनसेंसिबल बोलते हैं। इनसेंसिबल और इनविजिबल जो लॉस है ये स्पेशली स्पेशली 2 सिस्टम के द्वारा होता है, एक आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा इंटेगोमेट्री सिस्टम, स्किन के द्वारा भी इनसेंसिबल लॉस होता है। फटाफट आंसर पुट करेगा विच इज द राइट आंसर। देखिए बच्चों लाइक करना ना भूले, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डोंट फॉरगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक इट फास्ट, लाइक इट फास्ट एवरीवन। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1000 लाइव, 1000 बच्चे अभी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, बट लाइक करना ना भूले, इट्स वे ओनली वे टू डिलीवर एनर्जी टूवर्ड्स योर टीचर। ओके फाइन, ऑलमोस्ट बच्चों ने राइट आंसर पुट किया है और ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। देखिए शॉर्टली मैं आपको बच्चों यहां बताना चाहूंगा कि इनटेक और आउटपुट नॉर्मली कितना होता है, कौन कौन से रूट से कितना इनटेक और कितना आउटपुट, यहां एक क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे शॉर्टली पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन यहां पर शॉर्टली पूछा जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने फ्लूड का इनटेक और आउटपुट शॉर्टली आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। इनटेक फ्लूड इनटेक कौन कौन से वे से होता है, फ्लूड आउटपुट कौन कौन से वे से होता है, और अमाउंट कितना होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अमाउंट कितना होगा समझ लीजिएगा, फिर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट पहले समझ लीजिएगा। आप लगभग पर डे लगभग इंजेक्शन ऑफ वाटर जो है वो 1200 से 1500 ml आप इंजेस्ट करते हो, 1200 टू 1500 ml। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंजेक्शन इंजेस्टेड बाय द फूड। देखिए फूड का जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ फूड के द्वारा 800 टू 1100 ml वाटर जो है आपके बॉडी में पहुंचता है, और ऑक्सीडेशन के द्वारा 300 ml आपके बॉडी में पहुंचता है। ध्यान से देखना बच्चों, मैंने दोनों चीजें क्लियरली मेंशन किया है, एक आपका जो नॉर्मल इनटेक ऑफ वाटर है वो लगभग 1200 से 1500 ml है, इंजेस्टेड ऑफ द फूड पूछे फूड के द्वारा जो है वो 800 से 1100 ml है जो बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस आता है, और ऑक्सीडेशन से 300 ml आता है। आपको मैंने टोटल वैल्यू पुट किया है 2300 टू लेके
2900। यहां पर ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी क्वेरीज में मिनिमाइज करूंगा, हर स्टूडेंट ने अलग अलग वैल्यू सेट कर रखा है। यहां पर क्लियर सेट वैल्यू करना आपको ध्यान रखना। मिनिमम मैंने यहां लिखा 2300 ml 24 घंटे में इंटेक होता है, मैक्सिमम मैंने लिखा 2900 ml 24 घंटे में इंटेक होता है। यदि हम 1200, 800 और 300 को जोड़ेंगे तो लगभग आपका 2300 ml आएगा, और वहीं यदि 1500 को, 1100 को और 300 को जोड़ेंगे तो 2900 ml आएगा। और वहीं यदि आपको एक वैल्यू पूछेंगे बच्चों तो आंसर लिखना है 22600 ml। ये एक अडल्ट का नॉर्मल इंटेक है, ये एक अडल्ट का नॉर्मल इंटेक है। आप सभी को एक बार फिर से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। यहां पर आपको पूछा है कि व्हाट इज द नॉर्मल इंटेक इन 24 आवर्स इन अडल्ट, आपको आंसर लिखना है 2600 ml, मिनिमम 2300 और मैक्सिमम 2900 ml। इन छोटी छोटी बातों को क्लियर करते हुए आगे चलना है। वहीं मैं दूसरी तरफ बात करूं, आउटपुट जो वे है आपके बॉडी के द्वारा वाटर लॉस होता है, बॉडी के द्वारा जब वाटर लॉस होता है बच्चों, किडनी जो है लगभग 1500 ml। अपन हमेशा पढ़ रहे हैं किडनी आर रिस्पॉन्सिबल, अभी रीनल सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, किडनी आर रिस्पॉन्सिबल टू एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, और लगभग अपन 1.5 लीटर पढ़ते हैं, 1.5 लीटर पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनते हैं। अभी आपने देखा लंग्स के द्वारा 400 से 600 ml वाटर लॉस होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। और एक और क्वेश्चन पूछेंगे, स्किन के द्वारा कितना वाटर लॉस होता है बच्चों, ये 600 से 800 ml होगा। देखिए 400 टू 600 रेस्पिरेटरी और 600 टू 800 बाय द स्किन, दोनों इनविजिबल लॉस है, दोनों इनसेंसिबल लॉस है। ये दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। उसके अलावा जीआई ट्रैक का पूछेंगे आपसे तो 100 ml लिखना। जीआई ट्रैक का मतलब स्टूल के द्वारा जो वेस्ट एक्सक्रीट होता है, लगभग 24 आवर्स में 100 ml वाटर लॉस होता है। इसका भी मिनिमम 2600 है, मैक्सिमम 300 है, और आपसे सिंगल वैल्यू जब पूछेंगे तो यहां पर भी बच्चों आपको लिखना है 2600। जितना इनटेक उतना ही नॉर्मल आउटपुट है, जितना इनटेक है उतना ही नॉर्मल आउटपुट है। दो तीन छोटे छोटे एमसीक्यू यहां पर बनते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछेंगे जीआई ट्रैक से कितना वाटर लॉस होता है 100 ml, स्किन से पूछेंगे 600 टू 800 ml, लंग से पूछेंगे 400 टू 600 ml। पर्टिकुलर वैल्यू पूछेंगे कि कितना इनटेक है कितना आउटपुट है, 2600 इनटेक है, 2600 आउटपुट है। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? दिस इज द थिंग व्हिच इज आस्किंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच to all my loving future nursing officer, we cross 1200, thank you so much everyone, okay fine। further जाते हैं हम लोग। यहां मैंने आपको fluid का total intake और output का जिक्र किया है, इनटेक और आउटपुट अपने पढ़ा। आपके एग्जाम में लंग्स का पूछेंगे या स्किन का पूछेंगे या पर्टिकुलर किसी भी रूट का आपको पूछेंगे। आई होप कि यू आर एबल टू राइट द आंसर। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस पढ़ाया था, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस पढ़ाया था। यहां मैं आपको सेपरेट इसलिए पढ़ा रहा हूं कि बहुत ईजी तरीके से आज मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस को हम लोग लर्न करेंगे। मैं बहुत सारे एमसीक्यू पूछने वाला हूं, बट प्रीवियस चीजों को जा, जिसको भी एबीजी समझ में नहीं आया, जिसको भी नॉर्मल वैल्यू का नहीं पता, वो प्लीज एक बार रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस वाला वीडियो जरूर देखें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वी हैव वेरी लेस टाइम, तो मैं शॉर्टली रिव्यू करता हुआ मेन मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस को डिस्कस करूंगा, मेन मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस को डिस्कस करूंगा। ध्यान से, जिन बच्चों को एबीजी दोबारा पढ़ना है, जिन बच्चों को नॉर्मल वैल्यूज के बारे में दोबारा पढ़ना है, वो एक बार JINCE नर्सिंग YouTube चैनल पे जाकर के एक वीडियो डाला है जिसमें लिखा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस, उसको जरूर देखें, आपको सारी क्वेरीज मिनिमाइज हो जाएगी, आपको सारी क्वेरीज मिनिमाइज हो जाएगी। ध्यान से देखें, देखिए बफरिंग हो रहा है, इसको मिनिमाइज करें, बफरिंग हो रहा है, इसको तुरंत हम मिनिमाइज करें। आप बिल्कुल ना घबराएं, आप बिल्कुल ना घबराएं, ये टेक्निकल इश्यू हो सकता है, ये टेक्निकल इश्यू हो सकता है। वी विल मिनिमाइज, डोंट वरी, इसको तुरंत मिनिमाइज किया जा रहा है, टेक्निकल चीजें आती रहती है, उसको मिनिमाइज करके आगे बढ़ना ही, इट्स अ इंडिकेशन, इंडिकेटर ऑफ द फाइटर, वी ऑल आर फाइटर। गॉट इट एवरीवन? अच्छा, प्रीवियस स्लाइड्स का फोटो लेना बेटा, फटाफट लीजिए, वी डोंट हैव मच टाइम, टेक इट फास्ट, ओके फाइन।
विल गो फर्दर, शॉर्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिड बेस इंबैलेंस। देखिए बच्चों, एसिड बेस इंबैलेंस में मेनली टू थिंग्स हम डिस्कस करेंगे, एक हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दूसरा हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन, ओके फाइन। हमने लास्ट क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एबीसी हमने पढ़ा, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस हम पढ़ा। मैं फटाफट शॉर्टली रिव्यू करके चलता हूं। एबीसी जो है ये आपका आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस हम बोलते इसको। ये लेने करने से पहले एक टेस्ट करते हैं बच्चों, एलन टेस्ट करते हैं। और एलन टेस्ट का पर्पज होता है फाइंड आउट पेटेंसी ऑफ आर्टरी की पेटेंसी का पता लगाने के लिए अपने एलन टेस्ट करते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में पहले बता चुका हूं, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। इशिता भोवाल, थैंक यू सो मच, यू आर डोनेटिंग 100 rupees टू द जेएनसी पुअर पीपल फंड, थैंक यू सो मच। दूसरा एलन टेस्ट मैंने बताया था मोस्ट कॉमन अपन कहां करते हैं, मोस्ट कॉमन मैंने आपको रेडियल आर्टरी बताया था, कहां बताया था, रेडियल आर्टरी पे करते हैं। उसके अलावा अल्नर आर्टरी हो सकता है, उसके अलावा हम लोग फीमोरल आर्टरी पे कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन बताया था रेडियल आर्टरी। दूसरा मैंने बताया था जब भी हम एबीसी एनालिसिस कर रहे हैं बच्चों तो ब्लड किसमें कलेक्ट करते हैं, ब्लड मैंने आपको बताया था हिपेरिनाइज्ड सिरिंज में, ब्लड किसमें कलेक्ट करते हैं हम लोग, हिपेरिनाइज्ड सिरिंज में कलेक्ट करते हैं। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं नॉर्मल आर्टीरियल ब्लड गैस वैल्यू, ये आपको बताना जरूरी है, ये भी मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं। यहां पर आप देखिएगा, एक तो हम क्या देखेंगे बच्चों, पीएच देखेंगे, और आप सभी को पता है ब्लड की नॉर्मल पीएच जो है वो 7.35 टू 7.45 होता है, और यदि पीएच बढ़ती है तो हम एल्कलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्कलोसिस बोलते हैं। और यदि पीएच कम होती है तो हम क्या बोलते हैं बच्चों? एसिडोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडोसिस। मैं बहुत डिटेल में आपको अच्छे से समझाया था, बहुत डिटेल में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्लास में अच्छे से समझाएगा। किसी को भी दिक्कत है, क्वारी है, प्लीज एक बार जाकर उस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि अपने पास बहुत कम टाइम है, शॉर्ट रिव्यू करना बहुत जरूरी है। काजल राजपूत, थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू सो मच। उसके अलावा पीएच के बाद यदि मैं बात करूं, PCO2 जो नॉर्मल आपको बताया था वो हमने पढ़ा था 35 टू 45 mm ऑफ Hg है, हमने नॉर्मल पढ़ा था PCO2। उसके अलावा हमने पढ़ा था HCO3, और HCO3 जो आपने पढ़ा 22 से 27 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर, ये आपने HCO3 नॉर्मल पढ़ा था। ये तीन वैल्यू यहाँ पर वहां पर पढ़ा था। यहाँ पर एक एडिशनल वैल्यू मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ H+ आयन कंसेंट्रेशन जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। और वहां आपको मैंने ये भी कहा था कि पीएच का दोस्त कौन था, HCO3, पीएच का फ्रेंड कौन था, HCO3 था, और पीएच का दुश्मन कौन था वहां पर, PCO2। पीएच का दुश्मन कौन था, PCO2। और ये PCO2 हमेशा किसको इंडिकेट करता है बच्चों, रेस्पिरेटरी, किसको इंडिकेट करता है, रेस्पिरेटरी। और HCO3 किसको इंडिकेट करता है बच्चा, मेटाबॉलिक, किसको इंडिकेट करता है, मेटाबॉलिक। यहां तक कोई क्वेरी नहीं है, मैं सब रिव्यू कर रहा हूं बच्चों, ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यदि HCO3 कम ज्यादा हो रहा तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेटाबॉलिक, और PCO2 कम ज्यादा हो रहा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेटरी। और हमेशा मैंने बताया पीएच का दुश्मन PCO2 है, मतलब पीएच बढ़ेगा तो PCO2 कम होगा, और PCO2 बढ़ेगा तो पीएच कम होगा। दूसरा HCO3 मैंने बताया था ये पीएच का दोस्त है, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, HCO3 है, तो पीएच बढ़ेगा तो HCO3 भी बढ़ेगा, पीएच कम होगा तो HCO3 भी कम होगा। ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये टॉपिक्स, ये थिंग्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ओके फाइन। यहाँ एक नई चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, ये जानना इसलिए जरूरी है, या एच प्लस का भागीदारी क्या है, एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन की भागीदारी क्या है, वो समझ में आ गया तो आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में जाएगा। बच्चों लेट ना करें, फटाफट लाइक करना ना भूले, ऑलमोस्ट 1300 क्रॉस कर चुके बच्चों आप, लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। गॉट इट? यस निमी, HCO3 और बेस्ट फ्रेंड CO2, HCO2 वो है जो हमेशा रिजल्ट आने के बाद पूछता तेरा क्या हुआ, वो कौन है, PCO2, वो कौन है, PCO2, और हमेशा आपको अप्रिशिएट करने वाला, आपको फर्दर देखने वाला, वो कौन है आपका HCO3, वो कौन है आपका HCO3। ओके फाइन,
डिफरेंस में कुछ चीजें मैंने क्लियरली यहां पर मेंशन की, बच्चों ध्यान से आप देखने की कोशिश करें। एक तरफ मैंने लिखा एसिड और एक तरफ लिखा बेस, ध्यान से देखना। दो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन भी आपको यहां पर बताऊंगा, दो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन भी आपको यहां पर बताऊंगा। देखिए एसिड क्या है, याद रखना, कंटेन एच प्लस आयन, एसिड जो है दैट कंटेन एच प्लस आयन, मतलब माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ध्यान से देखिएगा, एच प्लस आयन जो है जिसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं वो किसमें फाइंड आउट होता है, एसिड में। किसमें फाइंड आउट होता है, एसिड, मतलब एसिड को यदि बढ़ना है, एसिड को यदि बढ़ना है तो यहां पर एच प्लस बढ़ेगा, एच प्लस बढ़ेगा, और एच प्लस बढ़ता है तो पीएच क्या होती कम। ध्यान से समझना, पूरी कहानी यहीं से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, विच इज बिलोंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस, क्योंकि रेस्पिरेटरी और मेटाबोलिक, आप रेस्पिरेटरी हम पढ़ चुके हैं, आज हम मेटाबोलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस पढ़ेंगे, वहां से एक क्वेश्चन श्योरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा। हमेशा ध्यान रखना, एसिड से याद रखना, एच प्लस जो है वो कॉमनली एसिड में फाइंड आउट होगा, बेस में अब्सेंट होगा, बेस में अब्सेंट होगा, मतलब डियर एसिड कब बढ़ेगा, जब यहां पर एच प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और एच प्लस बढ़ता है तो एसिड बढ़ेगा, और एसिड बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, कम होगा, पीएच क्या होगा, कम होगा। ये पैरामीटर यहां पर रिमेंबर करना, यहां एच प्लस और पीएच दोनों विपरीत है, प्रोपोर्शनेटली ऑपोजिट है, प्रोपोर्शनेटली ऑपोजिट है। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू अंशु लीला यादव, थैंक यू डियर। दूसरा, इधर मैंने बेस में लिखा, बच्चों बेस में क्या है, OH है, बेस में क्या OH है, दैट इज अ हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन कंसन, दोनों में डिफरेंस देखना। दूसरा एसिड में लिखा दे आर एच प्लस डोनर, देखना दे आर एच प्लस डोनर, और ये लिखना दे आर OH माइनस डोनर। ओके, दूसरा इधर में लिखा दे आर OH माइनस रिसेप्टर, जस्ट ऑपोजिट, तो दे आर एच प्लस रिसेप्टर, एसिड और बेस दोनों ऑपोजिट है। देन नेक्स्ट, एसिड का मतलब पीएच 7 से कम, और बेस का मतलब बच्चों पीएच 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा पीएच बढ़ेगा, वी कैन से एल्कलोसिस, वी कैन से एल्कलोसिस। सबसे इंपॉर्टेंट, एसिड का टेस्ट कैसा होगा, सोर टेस्ट होगा, और बेस का टेस्ट कैसा होगा, बिटर टेस्ट होगा। याद करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में टंग्स पढ़ाया था, और टंग्स में मैंने एंटीरियर लेटरल पोस्टीरियर टंग्स के अलग अलग फंक्शन आपको बताया था, अलग अलग फंक्शन आपको बताया था। दैट मींस वहां से याद रखिएगा, सोर और बिटर टेस्ट मैंने टंग में पढ़ाया था। ओके फाइन, गॉट इट, ओके फाइन, गॉट इट। ओ नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा, क्या इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखना बच्चों। एक पैरामीटर यहां पर बता रहा हूं, पीएच और हाइड्रोजन की कहानी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, पीएच और हाइड्रोजन की कहानी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपको एसिड और बेस इंबैलेंस समझ में आएगा, एसिड बेस और इंबैलेंस समझ में आएगा। ध्यान से देखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एक पैरामीटर मैंने आपको याद करने के लिए पुट किया है, देखिएगा, एक तरफ मैंने लिखा है एच प्लस लिखा है, दूसरी तरफ मैंने पीएच लिखा है। अभी आपको बताया था पीएच और एच प्लस दोनों विपरीत है, दोनों ऑपोजिट है, एक बढ़ेगा एक कम होगा, एक बढ़ेगा एक कम होगा। यू कैन सी एवरीवन, यू कैन सी एवरीवन, यहां पर आप देखेंगे कि एच प्लस यदि 1000 है, एच प्लस जो है वो 1000 है, और पीएच कितना है 3, ध्यान से देखना पीएच कितना 3, और एच प्लस 1000 से 100 कब आ जाएगा, जब एक पीएच बढ़ेगा, मतलब पीएच 3 से 4 हुआ तो एच प्लस क्या हो रहा, कम हो रहा, पीएच बढ़ रही है तो एच प्लस कम हो रहा, पीएच बढ़ रही है तो एच प्लस कम हो रहा, वही पीएच 4 से 5 हुआ एच प्लस 10 हो गया, मतलब 100 गुना 100 गुना डिफरेंस है, एक पीएच बढ़ने पर, एक पीएच बढ़ने पर एच प्लस 100 गुना कम हो जाता है, 100 गुना कम हो जाता है। यहां देखिए, यहां 1000 था, पीएच 3 था, पीएच 1 बढ़ा 4 हुआ, 1000 से 100 गुना कम कितना हो गया, 100 पे आ गया, फिर पीएच 1 बढ़ा, फिर 100 गुना कम कितने पर, 10 पे आ गया, फिर एक पीएच बढ़ा तो कहां पर आ गया, 1 पे आ गया। दैट मींस माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, when the pH is rises up, H plus concentration drop and down, H plus concentration drop and down, ये mechanism आपको याद रखना, ये mechanism आपको याद रखना, जब pH बढ़ रहा है H plus कम हो रहा है, H plus बढ़ रहा है pH कम हो रहा है, variation आपको पता होना चाहिए, variation आपको पता होना चाहिए। ये mechanism यदि आपको समझ में आ गया, definitely will go further, got it everyone? yes, बिल्कुल सही,
धर्मेंद्र बिल्कुल सही, 10 times, यस 10 times, ओके फाइन। अब फाइनली हम इस मैकेनिज्म से एंट्री करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं दैट वी आर गोइंग टू सी। सबसे पहले हम देखते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, देखिए बच्चों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मीनिंग क्या है? अकर व्हेन योर बॉडी प्रोड्यूस, एसिडोसिस की बात करें, जब आपका बॉडी एक्सिस क्या प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों? एसिड। और एसिड हमेशा याद रखना किसी भी मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होगा, किसी भी मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होगा, दैट वी कैन से एसिड। और एंड प्रोडक्ट बढ़ेगा तो एसिड बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा। एक बार फिर आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सही लिखा सुमन, सुमन डी यादव, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। दैट मीन्स बॉडी प्रोड्यूस एक्सिस एसिड व्हेन द किडनी आर नॉट रिमूविंग इनफ। देखिए आपको अच्छे से पता है, मैंने शुरू में चार सिस्टम आपको बताए थे, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी, एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी। रेस्पिरेटरी बताया था, डाइजेस्टिव बताया था, इंटेगोमेट्री बताया था, रीनल सिस्टम बताया था। यहां पर किडनी इफ अनेबल टू एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम योर ब्लड, तो वेस्ट का लेवल किस में बढ़ेगा? ब्लड में। जब ब्लड में वेस्ट का लेवल बढ़ेगा तो कंडीशन क्या हो रही है वहां पर? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। क्या होगा बच्चों? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, ओके फाइन। यहां पर आप पैरामीटर देखिएगा, एसिडोसिस होगा तो बच्चों पीएच क्या होनी चाहिए? कम होना चाहिए, पीएच कम होना चाहिए। और मैंने बताया था पीएच का दोस्त कौन था? HCO3B क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और यहां पर पीएच का ऑपोजिट रोल कौन प्ले कर रहा? H+। कौन रोल प्ले कर रहा? H+। यहां पर आप देखिएगा पीएच जो है वो लेस देन 7.35 है। H+ क्या हुआ बच्चों? इंक्रीज हुआ। और HCO3 क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। नॉर्मल HCO3 अभी आपको मैंने बताया था 22 से 27 मिलीक्विलेंट पर लीटर था, तो यहां HCO3 भी कम हुआ है। बहुत इजी वे से समझना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बहुत इजी वे से समझना। यदि पीएच कम हो रहा है उसका दोस्त कौन था बच्चों? HCO3। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था? HCO3। वो भी यहां पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और H+ जो है बढ़ रहा है, या H+ जो है बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? मैं हर कॉज के साथ आपको शॉर्टली रैशनल बताऊंगा क्यों बढ़ रहा है। हर कॉज के साथ आपको रैशनल बताऊंगा। पीएच यहां पर 7.35 है, मतलब पीएच कम हुआ तो डेफिनेटली HCO3 भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और H+ क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। H+ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये क्लियर है एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? इफ हैव एनीबॉडी डाउट प्लीज पुट इट। किसी को कोई डाउट है? बहुत इजी तरीके से समझा रहे हैं ताकि आने वाले टफ क्वेश्चन को आप समझ पाए, आने वाले टफ क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए, ओके फाइन। द थिंग विल बी इंडिकेटिंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो याद रखना एसिडोसिस से, याद रखना पीएच कम होगा, HCO3 कम होगा, H+ बढ़ेगा, H+ बढ़ेगा। रेस्पिरेटरी का यहां कोई रोल नहीं है, रेस्पिरेटरी और PCO2 का यहां पर कोई रोल नहीं है। हम मेटाबॉलिक पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको सेपरेट टीच करने की कोशिश की ताकि आपके कॉन्सेप्ट सीधे क्लियर हो जाए और आने वाले नॉर्थ सेट 2020 में आप तिरंगा लहरा सके। मेरा जो सपना है, आपका जो सपना है, आपके परिवार का जो सपना है, वो सपना आप और हम मिलकर पूरा कर पाए। बहुत एफर्ट आप लगा रहे हो, हम भी कोशिश करें हमारी तरफ से, और आने वाला वक्त जो है आप और हम सबका, ओके फाइन, ओके फाइन। अब मैं शॉर्टली मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कॉजेस बता रहा हूं। मैंने आपको रेस्पिरेटरी पढ़ाया था, उस समय डायरेक्ट बताया था COPD कैन कॉज, गुलियन बेरी सिंड्रोम कैन कॉज। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कौन सा कॉज है जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा कॉज है जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल बिल्कुल, ओके फाइन। सबसे पहले मैंने पुट किया बच्चों रीनल फेलियर। देखिए ARF और CRF दोनों रिस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए। ध्यान से देखें बच्चों, ARF और CRF बोथ आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बिकॉज रीनल फेलियर में क्या होता है? किडनी इज अनेबल टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। किडनी का काम क्या होता है बच्चों? ब्लड से वेस्ट को फिल्टर करना। जब किडनी ब्लड से वेस्ट को फिल्टर नहीं करेगी, वेस्ट का लेवल ब्लड में बढ़ेगा। और वेस्ट कौन है? एंड प्रोडक्ट। वेस्ट कौन है? एंड प्रोडक्ट। जब वेस्ट का लेवल बढ़ता है तो कंडीशन क्या कहलाती है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या कहलाती है बच्चों? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज। ये दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन है। डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हाउ कैन कॉज? आई विल शॉर्टली एक्सप्लेन। हाउ कैन कॉज? आई विल शॉर्टली एक्सप्लेन। यू कैन सी एवरीवन व्हाट हैपन डायबिटीज वाले पेशेंट को और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाले पेशेंट में क्या होता है बेटा? इनसफिशियंट इंसुलिन सप्लाई होता है।
इंसुलिन क्या कर रहा था? इंसुलिन का काम क्या था? टू कैरी शुगर एज ए फ्यूल. इंसुलिन क्या कर रहा था? टू कैरी शुगर एज ए फ्यूल. अब यहां इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या इंसुलिन इनसफिशिएंट है, इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? इंक्रीज फैट मेटाबॉलिज्म. क्या होगा बच्चों? फैट का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा. अंजलि वेलकम डियर. जो भी नए बच्चे यहां पर दिख रहे हैं, मोस्ट वेलकम इन जेएनसी फैमिली. थैंक यू सो मच इंडिया ट्रस्ट ऑन जेएनसी जोधपुर. वी आर क्रॉस्ड 1400. थैंक यू एवरीवन. ध्यान से देखना बच्चों, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि डायबिटिक मेलाइटस में टाइप जो फर्स्ट है और टाइप फर्स्ट का कॉम्प्लिकेशन क्या बताया था मैंने? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बताया था. यहां पर क्या होगा? डायबिटीज मेलाइटस में और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में सफिशियंट इंसुलिन नहीं होगा तो डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट का यूज नहीं हो पाएगा. और जब कार्बोहाइड्रेट का यूज नहीं होगा तो कौन ब्रेक डाउन होता है बच्चों? फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा. और जब फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो जब फैट ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है बच्चों? कीटोन. क्या बनता है? कीटोन. और जब कीटोन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा तो कीटो एसिडोसिस कहलाएगा. कीटोन का लेवल जब ब्लड में बढ़ जाएगा तो कीटो एसिडोसिस कहलाएगा. दैट मीन्स माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस आर रिस्पॉन्सिबल, कैन कॉज मेटाबोलिक एसिडोसिस. Got it everyone? Got it everyone? That is an easy way how to remember. पहला renal failure बताया था, दूसरा diabetes mellitus और diabetic ketoacidosis आपको बताया. Now we'll go further. Third मैंने लिखा है excessive ingestion of acetyl salicylate. ये again competitive exam का question है बच्चों. Acetyl salicylic acid का सबसे best example है aspirin. और aspirin क्या बढ़ाता बच्चों? H plus concentration. और H plus concentration बढ़ेगा तो pH क्या होगी? कम होगी. H plus concentration बढ़ेगा तो pH क्या होगी? चीजों को समझिएगा, चीजों को समझिएगा. H plus बढ़ता है तो pH कम होगा. ये शुरू में मैंने आपको बता दिया. यहां पर दो दुश्मन कौन है? pH और उसके सामने कौन है? H plus. उसके सामने कौन है? H plus. ध्यान से आंसर दीजिएगा, ध्यान से आंसर दीजिएगा. इजी क्वेश्चन है, इजी टू रिमेंबर है. तीन से चार कॉज हमने यहां पर पढ़ा. एग्जाम में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. क्वेश्चन क्या होगा कि एस्पिरिन क्यों कैन कॉज? आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपको ड्रग ऑफ चॉइस किसका? एमआई में आपको एस्पिरिन पढ़ाया था. और एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट ड्रग है. और एस्पिरिन आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज क्या करेगी? ये पर एच प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ाएगी. और एच प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो बच्चों पीएच क्या होगा? कम होगा. और पीएच कम होने को क्या बोलते हैं? पीएच कम होने को क्या बोलते हैं? एसिडोसिस. पीएच कम होने को क्या बोलते हैं? एसिडोसिस. गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन, ओके फाइन, विल गो फर्दर. यहां पर चार कॉज है. रीनल फेलियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है. डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है. एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ एसिटाइल एसिटाइल साइक्लिक एसिड जो है ये भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है. क्या करता है बच्चों? मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है. ओके फाइन, नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या क्या फैक्टर. देखिए डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस मैंने अभी आपको बता दिया. फर्दर फैक्टर क्या होगा? हाई फैट डाइट. डेफिनेटली ज्यादा फैट खाओगे, ज्यादा फैट खाओगे तो फैट का मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा. और फैट का मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो कीटोन ज्यादा बनेगा. कीटोन ज्यादा बनेगा तो कीटोन का लेवल ब्लड में बढ़ेगा. दैट कंडीशन अगेन कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. गॉट इट एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन, ओके फाइन. नेक्स्ट फैक्टर मैंने पुट किया है इनसफिशिएंट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. मैं हमेशा कहता हूं जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है तो आपके बॉडी में एनर्जी का काम करने के लिए किसका ब्रेकडाउन होता है? सिंपल, इट इज फैट का ब्रेकडाउन होता है. और फैट जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा. और जब कीटोन का लेवल बढ़ेगा दैट आल्सो कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. गॉट इट एवरीवन? बहुत इजी. डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ARF, CRF, उसके अलावा हाई फैट डाइट, उसके अलावा इनसफिशिएंट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी कौन से फैक्टर है बच्चों? द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज डिक्रीज योर पीएच. और पीएच जब डिक्रीज होता है, पीएच जब डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली कंडीशन क्या कहलाती है? एसिडोसिस. और टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? मेटाबॉलिक. तो आई होप कि आपको यहां पर कोई इश्यू नहीं आएगा. आरडी यादव बिल्कुल आराम बेटा, फर्दर टॉपिक पे पहुंच जाओ, चिंता नहीं करें आप. मैं एक एक डाउट क्लियर करता हुआ चलूंगा. नेक्स्ट आपका ही क्वेश्चन, माल न्यूट्रिशन. बच्चों इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिएंट कैटाबॉलिज्म कैन कॉज एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ कीटोन और एसिड.
अगेन माल न्यूट्रिशन वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज मेटाबोलिक एसिडोसिस। माल न्यूट्रिशन में क्या होगा, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, कैटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, तो एक्सेसिव क्या होगा, एक्सेसिव फैट का ब्रेकडाउन होगा, दैट अगेन कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके फाइन, नेक्स्ट कॉज देखिएगा सीवियर डायरिया। नेक्स्ट कॉज देखिएगा बच्चों सीवियर डायरिया, देखिए सीवियर डायरिया इंटेस्टाइन और पैनक्रियाटिक सिक्रीशन क्या होता है, नॉर्मली एल्कलीन होता है, नॉर्मली एल्कलीन तो है। ये क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमेशा जब भी हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल और पैनक्रियाटिक जो सब्सटेंस है उनकी पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होता है, और जिसकी पीएच 7 से ज्यादा होता है एल्कलीन सब्सटेंस होता है, और यदि ये सब्सटेंस डायरिया के द्वारा एक्सेसिव लॉस होगा, ये सब्सटेंस डायरिया के द्वारा जब एक्सेसिव लॉस होगा तो पीछे ये कम बचेगा तो पीएच कम हो जाएगी, और पीएच कम हो जाएगी दैट कंडीशन अगेन कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दैट अगेन कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। गॉट इट एवरीवन? ये छोटी छोटी चीजें हैं और ये सिलेक्शन को श्योर करने में बहुत मदद करेगी। याद रखना डायरिया जो है वो क्या लॉस कर रहा है, इंटेस्टाइन और पैनक्रियाटिक सिक्रीशन लॉस करता है। ये दोनों सब्सटेंस जो है एल्कलीन होता है, इनकी पीएच 7 से ज्यादा होता है, तो इनके साथ क्या लॉस हो गया बेटा, एल्कलीन सब्सटेंस लॉस हो गया। जब एक्सेसिव एल्कलीन सब्सटेंस का मतलब बेस जो है, बेस आपका लॉस हुआ तो पीछे बचेगा कौन सा, एसिडिक, पीछे बचेगा कौन सा, एसिडिक। गॉट इट एवरीवन? Got it everyone? यहां तक कोई क्वेरी? बहुत इजी वे है, बहुत इजी वे, बस कंसंट्रेट रहना है, कंसंट्रेट रहना है, और आने वाले एक घंटे में 1 आवर में मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस आप यूं याद कर लोगे, क्वेश्चन 100% कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा। ओके फाइन, हम नेक्स्ट बात करते बच्चों इलियोस्टोमी, नेक्स्ट कॉज की बात कर, देखिए इलियोस्टोमी, इलियोस्टोमी क्योंकि माई डियर इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट है, इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट है, और इलियोस्टोमी करेंगे तो जितने भी एल्कलीन सब्सटेंस अगेन इंटेस्टाइनल जो सिक्रीशन है, क्योंकि उसमें ज्यादा क्या होता है HCU3 ज्यादा होता है, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन HCU3 ज्यादा होगा, जब इलियोस्टोमी करेंगे तो ये लॉस होगा, और ये लॉस होगा डेफिनेटली क्या होगा बच्चों HCU3 लॉस होगा, तो यहां पर आपका H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी, ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी, मेटाबोलिक एसिडोसिस, मेटाबोलिक एसिडोसिस। मैं एक एक कॉज बताऊंगा बच्चों आपको, एक एक कॉज बताऊंगा, बस आप एडवांस ना जाकर के साथ चलें, एडवांस ना जाकर के साथ चलें, आपको नॉलेज है, आई रियली लाइक इट, बट उस नॉलेज को सही जगह मैं आपसे पूछ लूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, वो नॉलेज आपसे मैं तुरंत फाइंड आउट कर लूंगा, तुरंत फाइंड आउट कर लूंगा। ओके फाइन, विल गो फर्दर। इलियोस्टोमी हो गया, द नेक्स्ट कॉज मैंने लिखा स्टारवेशन। देखिए अगेन स्टारवेशन कैन कॉज ब्रेकडाउन ऑफ द फैट, और फैट का ब्रेकडाउन होगा, कीटोन बढ़ेगा, कीटो एसिडोसिस होगा, तो दैट ऑल्सो कंडीशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट मैंने लिखा टर्मिनल कैंसर, देखिए ये टर्मिनल कैंसर किसका है, इलियम का, टर्मिनल कैंसर किसका, इलियम का, और इलियम का टर्मिनल कैंसर होगा तो उस समय इलियोस्टोमी करेंगे तो फिर कंडीशन क्या कॉज होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फिर कंडीशन कॉज क्या होगी बच्चों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। छोटे छोटे पॉइंट है। नेक्स्ट डाइटिंग, स्पेशली फॉर द गर्ल्स कि सर मोटे हो जाएंगे, कम खाना है, चक्कर आते हैं, ध्यान रखना बच्चों आप कहीं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के शिकार तो नहीं हो रहे, खाना खाओ अच्छे से, एक्टिविटी भी करो तो आपका सब कुछ बराबर होगा। याद रखना बच्चों डाइटिंग ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज मेटाबोलिक एसिडोसिस। हम मेटाबोलिक एसिडोसिस की बात करें, हिपेरिन, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना बच्चों, हिपेरिन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज मेटाबोलिक एसिडोसिस। तो ये कुछ वो कॉजेस थे, वो फैक्टर थे दैट आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज मेटाबोलिक एसिडोसिस। या क्वेश्चन क्या आएगा सीधा, इलियोस्टोमी कैन कॉज मेटाबोलिक एसिडोसिस, ARF, CRF can cause metabolic acidosis, diarrhea can cause metabolic acidosis, heparin can cause metabolic acidosis, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेंगे, I hope you never forget. तो these are the factors are responsible, can cause metabolic acidosis. ध्यान से देखना बच्चों, almost सारे बच्चों की जिम्मेदारी बनती है लाइक करना ना भूलें बच्चों, लाइक करना ना भूलें, ऑलमोस्ट 1400 प्लस बच्चे क्लास को अटेंड करें बट लाइक करना ना भूलें। ओके फाइन, नेक्स्ट इसका मैनेजमेंट यहां इंपॉर्टेंट है, इसका मैनेजमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें, बच्चों तो मैनेजमेंट में मैंने पुट किया है
इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब, ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर सोडा बाइकार्ब इंजेक्शन लगाते हैं, वो क्या करता है, बैलेंस करता है, बैलेंस किसको करता है, एसिड और बेस को, एसिड और बेस को। आप आईवी दोगे, आईवी दोगे तो डाइल्यूट करना है डिस्टिल वाटर में, आईवी दोगे तो डाइल्यूट करना है डिस्टिल वाटर में, ध्यान से देखना बच्चों, ये एसिड को रिड्यूस करेगा, ये एसिड को रिड्यूस करेगा। ये कहां यूज करते हैं, इज एन एंटासिड टू ट्रीट हार्ट बर्न, क्योंकि एंटासिड है वन ऑफ द फैक्टर आर कैन कॉज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, आगे पढ़ाऊंगा आपको, एंटासिड आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ओके फाइन। उसके अलावा is a very quick acting antacid, it should be used only for the temporary relief, तो याद रखना soda bicarbonate use करते हैं if the patient suffer with metabolic acidosis, if the patient suffer with the metabolic acidosis, okay fine, okay fine। एक question आता है competitive exam है कि metabolic acidosis वाले patient का diet कैसा होगा, metabolic acidosis वाला patient का diet कैसा होगा, low protein high calorie, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लो प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट यहां पर हम दे रहे हैं, गॉट इट एवरीवन, ओके फाइन, ओके फाइन। अब शॉर्टली हम रिवाइज करते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, उसके बाद मैं आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन पूछने वाला हूं, क्योंकि एक बार थ्योरी शॉर्टली रिवाइज करके यदि पूछूंगा बहुत मजा आने वाला है, और लगभग हम 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कंपनसेट अनकंपनसेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस। आई होप कि आज क्लास फिनिश होने के बाद यू शुड फील प्राउड योर सेल्फ कि अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस का क्वेश्चन एग्जाम आएगा तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये टॉपिक लगभग 10 से 12 घंटे का है, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी, यदि हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए तो 10 से 12 घंटे का टॉपिक है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस, बट वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, और इस लिमिटेड टाइम में आपके ब्रेन में स्ट्राइक करना मस्ट बी कंपल्सरी, और आई होप दैट विल बी कमिंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ओके फाइन। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की बात करें बच्चों, इंक्रीज अमाउंट ऑफ अवेलेबल बेस सॉल्यूशन इन द ब्लड और डिक्रीज एसिड, जस्ट ऑपोजिट, वहां एसिड बढ़ रहा था यहां बेस बढ़ रहा है, वहां एसिड बढ़ रहा था यहां बेस बढ़ रहा है, ओके फाइन। देन पीएच क्या हो जाएगी, हम एल्कलोसिस की बात करें बच्चों, तो पीएच क्या होगी, बढ़ेगी, और पीएच बढ़ेगी, यदि पीएच बढ़ेगी तो एच सी ओ थ्री भी बढ़ेगा, और एच प्लस क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, एच प्लस क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, और एच सी ओ थ्री क्या होगा, इंक्रीज। तीन पैरामीटर को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पज से, पीएच यहां पर इंक्रीज हो रहा है, एच प्लस यहां पर डिक्रीज हो रहा है, एचसीओ थ्री यहां पर इंक्रीज हो रहा है, एचसीओ थ्री यहां पर इंक्रीज हो रहा है, तीन पैरामीटर मैंने क्लियरली मेंशन किया है, जस्ट ऑपोजिट, ओके फाइन। अब बात आती है इचियोलॉजी, यहां पर भी मैं आपको डायरेक्ट कॉज बताऊंगा, उसके साथ मैकेनिज्म भी शॉर्टली डिस्क्राइब कर देता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा डायुरेटिक्स, देखिए डायुरेटिक्स जो है वो एच प्लस को लॉस करती है, क्लोराइड को लॉस करती है, और एच प्लस यदि लॉस होता है तो एचसीओ थ्री क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, एचसीओ थ्री क्या होगा, बढ़ेगा, और एचसीओ थ्री बढ़ेगा तो पीएच क्या होगी, बढ़ेगी, और एचसीओ थ्री का फ्रेंड कौन था, एचसीओ थ्री का फ्रेंड कौन था, पीएच, और जब एचसीओ थ्री बढ़ रहा है तो पीएच डेफिनेटली बढ़ेगी, गॉट इट, क्वेश्चन सीधा आएगा कि डायुरेटिक्स कैन कॉज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा बच्चों कि डायुरेटिक्स कैन कॉज, तो आंसर क्या लिखना है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, गॉट इट एवरीवन, ओके फाइन। दूसरा कॉज देखिएगा, सीवियर वॉमिटिंग, जीआई सक्शन और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लॉस एससीएल, ये सब में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बच्चों, ये सब में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, या तीन से चार पैरामीटर मैंने एक साथ पुट किए हैं, और मैं शॉर्टली आपको बताना चाहूंगा इन पैरामीटर का मीनिंग भी शॉर्टली बता देता हूं। देखिए वॉमिटिंग जो है, वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सपल्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट, वॉमिटिंग को कभी मत बोलना उल्टी होता है, वमन होता है, मितली होता है, वॉमिटिंग का मतलब एक्सपल्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट फ्रॉम द स्टोमक थ्रू द माउथ, दैट इज अ मीनिंग ऑफ वॉमिटिंग, दैट इज अ मीनिंग ऑफ वॉमिटिंग, ओके फाइन। तो वॉमिटिंग में क्या लॉस होगा बच्चों, एचसीएल, वॉमिटिंग में क्या लॉस होगा, एचसीएल, जब एचसीएल लॉस हो जाएगा तो एसिडिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कलीन, एसिडिक किसमें कन्वर्ट होगा, एल्कलीन। दूसरा जीआई सक्शन और नेजोगैस्ट्रिक में भी बता देता हूं, गैस्ट्रिक लावेज याद रखना, नॉट गावेज, लावेज का मतलब होता है रिमूव, गावेज का मतलब होता है गिवन, देना, अपन जब पढ़ेंगे राइस ट्यूब में आपको डिटेल में बताऊंगा, गैस्ट्रिक लावेज का मतलब वी शुड रिमूव समथिंग, और गावेज का मतलब वी शुड डिलीवर समथिंग,
That means vomiting में क्या होगा, HCl loss होगा, GI suction करोगे तो HCl loss होगा, और यदि आप gastric lavage करोगे तो भी HCl loss होगा, और जब HCl loss होता है तो pH क्या होती बढ़ती है, pH क्या होती बढ़ती है, और जब pH बढ़ रही है तो HCO3 बढ़ रहा है, HCO3 बढ़ रहा है, और जब दोनों बढ़ रहे हैं तो what we can say metabolic alkalosis, what we can say metabolic acidosis, got it everyone? Got it everyone? बहुत इजी है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, वॉमिटिंग कैन कॉज सीधा क्वेश्चन आ सकता है, जीआई सक्शन कैन कॉज सीधा क्वेश्चन आ सकता है, नेजो गैस्ट्रिक में लिखा होगा गैस्ट्रिक लाविज, नेजो गैस्ट्रिक में लिखा होगा गैस्ट्रिक लाविज कैन कॉज, तो सीधा आंसर पुट करना है, ये तीनों आपको स्टोमक से किसको निकाल रहे हैं, एचसीएल को निकाल रहे हैं, एचसीएल निकलेगा तो पीएच क्या हो जाएगी, एल्कली हो जाएगी, और पीएच जब एल्कली हो जाती है दैट कंडीशन वी कैन से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ओके फाइन, नेक्स्ट मैंने लिखा हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। देखिए ये एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म क्या करता है बच्चों, रीनल ट्यूबुल में रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जब रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली एच प्लस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, H प्लस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चीजें बहुत आसान है, चीजें थैंक यू सो मच निशा, चीजें बहुत आसान है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरोन हार्मोन विच इज सेक्रेटेड फ्रॉम द रीनल कॉर्टेक्स, ये क्या करता है, ट्यूबुलर में रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, तो HCO3 का मैंने बताया था PCT आर रिस्पॉन्सिबल मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन HCO3, और HCO3 का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो H प्लस कम होगा, और H प्लस कम हो रहा है, HCO3 बढ़ रहा है, pH बढ़ रहा है, द कंडीशन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, दैट कंडीशन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ओके फाइन, नेक्स्ट मैंने लिखा इंजेक्शन इन्फ्यूजन ऑफ एक्सेस HCO3। डेफिनेटली जब HCO3 ज्यादा मात्रा में लेंगे, एक्सेस अमाउंट में HCO3 लेंगे तो ब्लड में HCO3 का लेवल बढ़ेगा, ब्लड में HCO3 का लेवल बढ़ेगा, और जब ब्लड में HCO3 का लेवल बढ़ेगा तो पीएच बढ़ेगी, और पीएच बढ़ेगी दैट कंडीशन वी कैन से, दैट कंडीशन वी कैन से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। थैंक यू सो मच, ऑलमोस्ट वी आर क्रॉस 1450, थैंक यू माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट कॉज मैंने लिखा है ट्रांसफ्यूशन ऑफ होल ब्लड। देखिए यहाँ एक कॉम्प्लिकेशन बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करता है, ट्रांसफ्यूशन ऑफ होल ब्लड में क्या होगा, सिट्रेट होगा, और ये एंटीकोगुलेंट होता है, वो क्या करता है मेटाबोलाइज करता है, किसका करता है HCO3। देखिए बच्चों हम कभी भी यदि बात करें एंटीकोगुलेंट, क्वेश्चन आता है कि कौन सा एंटीकोगुलेंट जो बच्चों है वो हम यूज करते हैं ब्लड बैंक में, तो आंसर लिखना सिट्रेट, क्या लिखना है सिट्रेट, और ये सोडियम सिट्रेट जो है ये आपके ब्लड में होगा और ये जाके किसको मेटाबोलाइज कर देगा HCO3। जैसे आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया तो ये जाकर के HCO3 को मेटाबोलाइज करेगा, और डेफिनेटली जब HCO3 बढ़ेगा तो पीएच बढ़ेगा, और पीएच बढ़ेगा तो मेटाबोलिक एल्कलोसिस कहलाएगा, मेटाबोलिक एल्कलोसिस। देन एंटासिड, देन एंटासिड, देखिए बच्चों एंटासिड का बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह पढ़ाया था मैंने जीआई सिस्टम में, और एंटासिड मैंने कहा था ये पीएच को न्यूट्रलाइज करता है, और एंटासिड में क्या होता है बाइकार्बोनेट, जब एंटासिड आप लोगे तो बाइकार्बोनेट होगा, और बाइकार्बोनेट जब आप ज्यादा लोगे, बाइकार्बोनेट जब ज्यादा लोगे तो पीएच बढ़ जाएगा, पीएच बढ़ जाएगा। छोटी छोटी बातें, सिलेक्शन उतना ही श्योर होता जाएगा, हम और करीब जा रहे हैं, हम एम्स के सिलेक्शन को और करीब जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो प्रेजेंस है, आपका जो आंसर देने का वे है, आपका जो क्विक रिप्लाई करने का तरीका है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है यू ऑल आर माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू आर डूइंग फंटास्टिक जॉब, रियली आई अप्रिशिएट यू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, लगातार 9 o'clock तुरंत क्लास में अटेंड करते हो, और 9 से लेके 1 तक रहते हो, फिर शाम को 6 to 8 PM फिर रहते हो, आई रियली सैल्यूट यू ऑल माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यही एनर्जी, यही एनर्जी, यही ट्रस्ट कैरी ऑन करना है टिल एम्स को फतेह करने तक, ध्यान रखना एम्स को फतेह करने तक। ओके फाइन, ये कुछ डायरेक्ट कॉजेस बच्चों मैंने आपको यहां पढ़ाया, अब नंबर आपका है, अब नंबर आपका है, अब आपसे पूछूंगा एमसीक्यू, मैंने शॉर्ट रिव्यू यहां पर किया है, अब आपसे एमसीक्यू पूछूंगा, बट एमसीक्यू से पहले वो मैकेनिज्म फिर से लर्न करेंगे जो मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंपनसेट, पार्शियल कंपनसेट और अनकंपनसेट में पढ़ाया था, एक बार फिर से रिव्यू करते हैं ताकि हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाए, हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाए। ध्यान से देखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यही मैकेनिज्म फिर से मैंने रिपीट किया है, कंपनसेट कब बोलेंगे, कंपनसेट कब बोलेंगे बच्चों, जब पीएच नॉर्मल है, PCO2 एबनॉर्मल है, HCO3, मतलब माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, यदि पीएच नॉर्मल है और दोनों वैल्यू एबनॉर्मल है, पीएच नॉर्मल है, आपको यह देखना बहुत जरूरी है, व्हेन वी स्टार्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू, ये देखना जरूरी है, पीएच नॉर्मल है
तो वी कैन कंपनसेट, हम कंपनसेट कर सकते हैं, हम कंपनसेट कर सकते हैं। पीएच नॉर्मल है, उसके साथ पीसीओ टू एचसीओ थ्री दोनों एबनॉर्मल है, दोनों एबनॉर्मल, ध्यान रखना पीएच नॉर्मल, दोनों वैल्यू एबनॉर्मल है, दैट मैकेनिज्म वी कैन से कंपनसेट, क्या बोलते हैं कंपनसेट। दूसरा पार्शियल कंपनसेट हम कब कहेंगे, जब तीनों एबनॉर्मल है। पार्शियल कंपनसेट हम कब कहेंगे बच्चों, तीनों एबनॉर्मल है। देखिए पीएच एबनॉर्मल, PCO2 abnormal, HCO3 abnormal, पैरामीटर को याद रखना, डायरी में नोट कर लेना। अभी मैं क्वेश्चन पुटअप करूंगा आपको, फटाफट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। थैंक यू सो मच पारुल। नेक्स्ट थर्ड मैंने पुट किया है अनकंपनसेट, मतलब PR PH abnormal है और दोनों में से कोई एक वैल्यू abnormal है। ये तीन पैरामीटर आपको याद रखना होगा। कंपनसेट कब कहेंगे, सॉरी कंपनसेट कब कहेंगे, जब पीएच नॉर्मल वी कैन कंपनसेट और दोनों वैल्यू क्या है एबनॉर्मल है। पार्शियल से याद रखना तीनों वैल्यू एबनॉर्मल है, पार्शियल से याद रखना बच्चों तीनों वैल्यू एबनॉर्मल है। अनकंपनसेट कब कहेंगे, जब पीएच एबनॉर्मल है और इन दोनों वैल्यू में कोई एक एबनॉर्मल है, दोनों वैल्यू में कोई एक एबनॉर्मल है। ध्यान से देखना, यह मैकेनिज्म आने वाले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। वेरी गुड मॉर्निंग सियाराम, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन, अब नंबर आपका है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है आप सही आंसर पुट करोगे। ये पहला एमसीक्यू आपके सामने आया बच्चों, एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट किया है, पीएच जो है 7.20 है, PCO2 35 है, HCO3 20। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना होगा, एक एबीजी रिपोर्ट है, जो बच्चों का स्किल टेस्ट होता है सिलेक्शन के बाद में, ऐसे ही एबीसी की रिपोर्ट रखी होती है, आपको देख के बताना होता है इस पेशेंट को प्रॉब्लम क्या, आपको देख के बताना होता है इस पेशेंट को प्रॉब्लम क्या। यहां पर आप देखिएगा रिपोर्ट में पीएच जो है, पहले तो ये देखो पीएच क्या है, ये एबनॉर्मल है, पीएच क्या है एबनॉर्मल है, पीसीओ टू क्या है बच्चों नॉर्मल है, पीसीओ टू क्या है नॉर्मल है, एचसीओ थ्री क्या बेटा एबनॉर्मल है, HCO3 क्या abnormal है। यदि मैं compensate की बात करूं, partial compensate की बात करूं, uncompensate की बात करूं, यहां पर यदि pH abnormal है और उसके साथ दोनों में से एक value abnormal है, तो मैंने क्या बताया बेटा uncompensate, याद है मैंने क्या बताया बेटा uncompensate। ओके फाइन, दूसरा pH कम हुआ, pH कम हुआ है और pH के साथ में उसका दोस्त भी कम हुआ है, कौन था दोस्त, HCO3 था, दोनों कम हुआ है तो क्या इंडिकेट करता है बच्चों मेटाबॉलिक, क्या इंडिकेट करता है मेटाबॉलिक। अब आपके सामने मैं ऑप्शन पुट करता हूं, ऑप्शन पुट करता हूं, आप राइट आंसर लिखिएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया और रेस्पिरेटरी। देखिए मैं और इजी तरीका बताता हूं, पीएच यदि आपकी कम है, पीएच कम को हम क्या बोलते हैं बच्चों एसिडोसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं एसिडोसिस। तो यहां पर जो ये एल्क्लोसिस वाले दिख रहे हैं, यहां पर जो ये एल्क्लोसिस वाले दिख रहे हैं, इन दोनों को बाहर कर दो, इन दोनों को बाहर कर दो, क्योंकि पीएच यदि आपकी कम हुई तो हम एसिडोसिस बोलते हैं, दोनों एल्क्लोसिस को बाहर कर दो। अब आपको देखना है कि ये मेटाबोलिक है रेस्पिरेटरी, अब आपको देखना है ये मेटाबोलिक है रेस्पिरेटरी, तो यहां पर पीसीओ टू तो नॉर्मल है तो ये रेस्पिरेटरी तो नहीं होगा, तो रेस्पिरेटरी को भी बाहर कर दिया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज द राइट आंसर, दैट इज द राइट आंसर, गॉट इट एवरीवन? इट्स इजी टू रिमेंबर, easy to remember, yes, that kind of participation I need from everyone, every future nursing officer I need from your side, you put quick answer, put quick answer, got it everyone? Okay fine, I think बहुत easy था और सारे बच्चों ने बहुत खूबसूरती से इसका answer लिखा, thank you so much, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। Okay, अब हम next MCQ की तरफ जाते हैं, ये बहुत आसान था, पैरामीटर मैंने बताया, तरीका सेलेक्ट करने का तरीका, लास्ट में एक ही ऑप्शन बचेगा, वो राइट आंसर होगा और 101% राइट आंसर होगा, जिसमें श्योरली आप एक मार्क्स ला सकते हो। सेकंड एमसीक्यू देखते हैं बच्चों, सेकंड एमसीक्यू को देखिएगा, ए नर्स इज कैरिंग क्लाइंट, भी देखिए क्लाइंट विथ नेजोगैस्ट्रिक, देखिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब दैट अटैच टू द लो सक्शन, द नर्स मॉनिटर द क्लाइंट नोइंग द क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर, देखिए बच्चों नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाला हुआ है और उसमें लो सक्शन स्टार्ट किया हुआ है और क्या रिमूव हो रहा है बच्चों, क्या रिमूव हो रहा है, एचसीएल निकल रहा है, और जब एचसीएल निकल रहा है, जब एचसीएल निकल रहा है तो पीएच क्या होगा, पीएच क्या होगा, एचसीएल बाहर आएगा तो पीएच क्या होगा, पुट द राइट आंसर, पुट द राइट आंसर। मैं ऑप्शन देता हूं आपको, यहां पर बहुत आसान एमसीक्यू है, बहुत आसान एमसीक्यू। पहली चीज तो जब हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब और लो सक्शन की बात करें तो यह रेस्पिरेटरी का कोई रोल नहीं है,
रेस्पिरेटरी का कोई रोल नहीं है। तीसरा, लो सक्शन पे पुट करने पर हम किसको रिमूव कर रहे हैं बच्चों, हम HCl को रिमूव कर रहे हैं, और HCl जब निकलेगा तो पीएच क्या होगी, बढ़ेगी, तो यहां एसिडोसिस का भी कोई काम नहीं होगा। पुट द राइट आंसर, पुट द राइट आंसर एवरीवन, ए बी सी डी। शाबाश शाबाश शाबाश। देखिए बच्चों, विवेक राय, ध्यान से पढ़ो बेटा, विवेक ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछा है आंसर पुट करें, क्वेश्चन क्या पूछा है आंसर पुट करें। मैंने क्लियर बता रहा हूं, HCl को निकाल रहे हैं, HCl को निकाल रहे हैं तो पीएच क्या होगी, बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी। तालिब बहुत बढ़िया, तालिब बहुत सही आंसर है बच्चा, बहुत बढ़िया। सोनू वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। निशा बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट बच्चों ने राइट आंसर पुट किया, ऑलमोस्ट बच्चों ने राइट आंसर पुट किया। यस यस, आशीष, प्रियंका, कीप इट अप माय डियर, कीप इट अप। यस, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, यही आंसर मुझे आपसे चाहिए। विवेक ध्यान से पढ़ो, आप बहुत अच्छे आंसर देते हो बेटा, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, क्विक रिस्पॉन्ड देने के लिए आंसर को ध्यान से देखना होगा। ओके फाइन, ओके फाइन, ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर दिया, और आप सभी का सही आंसर क्या होगा, सभी का सही आंसर मेटाबॉलिक एल्कोसिस, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर बच्चों, डी इज द राइट आंसर। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन, कोई क्वेरी, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए नर्स इज कैरिंग द क्लाइंट विद द इलियोस्टोमी। इसी तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, पेशेंट को इलियोस्टोमी हुआ है, इलियम से एल्कलीन सब्सटेंस, गैस्ट्रिक जूस और पैनक्रियाटिक जूस बाहर निकल रहे हैं, इलियोस्टोमी हुआ, ध्यान से रखना बच्चों, इलियोस्टोमी हुआ है, इलियम से गैस्ट्रिक जूस पैनक्रियाटिक जूस का एक्सक्रीशन हो रहा है, और दोनों ही एल्कलीन होते हैं। जब एल्कलीन का ज्यादा एक्सक्रीशन होगा, जब एल्कलीन का ज्यादा एक्सक्रीशन होगा तो पीछे कौन बचेगा बच्चा, एसिडिक बचेगा, कौन बचेगा, आंसर लिखिएगा फटाफट, ऑप्शन दीजिएगा, बहुत आसान, बहुत आसान, क्वेश्चन को समझना है, आंसर को पुट करना है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मैं बार बार बोल रहा हूं, इलियोस्टोमी में हम क्या करते हैं बच्चों, एल्कलीन सब्सटेंस का लॉस होता है, और एल्कलीन में कौन कौन है, एक तो याद रखना इंटेस्टाइनल जूस होता है, दूसरा पैनक्रियाटिक सेक्रेशन होता है, और इन दोनों की पीएच 7 से ज्यादा होगा। ये जब लॉस होगा तो पीछे कौन बचेगा बच्चों, एसिडिक बचेगा, पीछे कौन बचेगा बच्चों, एसिडिक बचेगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, रेस्पिरेटरी यहां पर भी नहीं होगा, रेस्पिरेटरी यहां पर भी नहीं होगा, और यहां एल्कलोसिस भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, यस यस, रियली रियली यू आर डूइंग फंटास्टिक जॉब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो गॉट इट एवरीवन, ओके फाइन। अब हम फर्दर चलते हैं, आप सभी ने बहुत सही आंसर पुट किया है, अब हम फर्दर चलते हैं, अब इजी क्वेश्चन थे, हम थोड़ा सा टफ एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। देखिए, नर्स अंडरस्टैंड दैट द एक्सेसिव यूज ऑफ ऑरल एंटासिड, एक्सेसिव यूज ऑफ ऑरल एंटासिड, बच्चों क्वेश्चन को दो बार समझिएगा, क्वेश्चन को दो बार समझिएगा। मैंने बताया था एंटासिड में कौन होता है, HCO3 होता है, और एंटासिड किसी में कोई पर्सन लेगा तो HCO3 का लेवल बढ़ेगा, HCO3 का लेवल बढ़ेगा तो पीएच इंक्रीज होगा, और पीएच इंक्रीज होता है तो एल्कलोसिस बोलते हैं, उसके साथ HCO3 बढ़ रहा है, उसके साथ HCO3 बढ़ रहा है। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मैं ऑप्शन आपके सामने पुट करता हूं, ऑप्शन आपके सामने पुट करता हूं, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब बहुत बढ़िया कॉपरेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, यही प्रेजेंस से ये एक एक डाउट को क्लियर करते हुए हम चलेंगे शॉर्ट और स्वीट रिवीजन के साथ, शॉर्ट और स्वीट रिवीजन के साथ। यस यस, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, फंटास्टिक माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एक एक पॉइंट को आप रिमेंबर कर पा रहे हो, क्वेश्चन इस फॉर्म में बनेंगे। मैंने पहले आपके सामने इटियोलॉजिकल फैक्टर डिस्कस किया था, क्वेश्चन इस फॉर्म में बनेंगे। थैंक यू इंडिया ट्रस्ट ऑन जेएनसी जोधपुर, वी आर क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 1450। लाइक करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, आने वाले और खूबसूरत एमसीक्यू पढ़ेंगे जहां पर आसान आंसर दोगे, बहुत इजी लगेगा आपको। ओके फाइन, ओके फाइन, यहां आपने सभी ने राइट आंसर पुट किया। नेक्स्ट हम पुट करें बच्चों, ए अनकॉन्शियस क्लाइंट। देखिए, थोड़ा सा आपको डराने की कोशिश की है इस एमसीक्यू ने, बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि आप आर्मी मैन हो, आर्मी मैन कभी नहीं डरता है। पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस, ध्यान से देखना, क्लाइंट इज एडमिटेड इन द इमरजेंसी रूम, आर्टेरियल ब्लड गैस मेजर,
पीएच 7.0 बच्चों, यहां पीएच क्या हो रही है ध्यान से देखना, पीएच डिक्रीज हो रहा है, पीएच डिक्रीज हो रहा है, लो बाइकार्बोनेट लेवल। यहां बच्चों HCO3 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, HCO3 डिक्रीज हो रहा है। देन नॉर्मल CO2, यहां CO2 क्या है बच्चों, नॉर्मल है। एंड नॉर्मल O2 भी क्या नॉर्मल है। आप बिल्कुल ना डरें, आप बिल्कुल ना डरें, बहुत इजी MCQ है। एंड एलिवेटेड पोटेशियम, ये फिर डरा है, पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है, द रिजल्ट विल बी इंडिकेट, द रिजल्ट विल बी इंडिकेट। पहले ये क्लियर कर लो, पीएच कम होगा तो ये क्या कहलाएगा, एसिडोसिस। क्या कहलाएगा बच्चों, एसिडोसिस कहलाएगा। और पीएच के साथ HCO3 कम होगा तो ये क्या कहलाएगा, मेटाबोलिक। क्या कहलाएगा, मेटाबोलिक। यहां तक तो कोई क्वेरी नहीं है, यहां तक कोई क्वेरी नहीं है। यदि आपसे इस फॉर्म में पूछेंगे तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं ऑप्शन आपके सामने पुट कर रहा हूं, ऑप्शन आपके सामने पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत इजी MCQ बच्चों, बहुत इजी MCQ है। पैरामीटर को देखना है, कौन सा अबनॉर्मल वो देखना पहले, उसके बाद में देखना है कौन सा कम हो रहा है, कौन सा बढ़ रहा है, फिर उसके साथ देखना है उसका को फ्रेंड कौन सा है, वो किधर जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुट द राइट आंसर एवरीवन, पुट द राइट आंसर, कीप इट अप माय डियर, शाबाश माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ABCD, ज्यादातर बच्चों ने राइट आंसर पुट किया है, बहुत ही बढ़िया। इतना टफ नहीं है, काफी इजी है। मेटाबॉलिक एसिड, उसकी पीएच कम हो रहा है, HCO3 कम हो रहा है, पीएच कम हो रहा है, HCO3 कम हो रहा है। क्वेश्चन भले ही बड़ा हो, बड़ा आदमी देख के डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा एग्जाम देख के डरने की जरूरत नहीं है। हमेशा कहता हूं कितना भी बड़ा MCQ हो, सब चीज को क्या फाइंड आउट करना है, उस थिंग को फाइंड आउट करना है, व्हाट दे वांट टू आस्क, वो क्या पूछना चाह रहा है। आंसर अपने आप जनरेट होगा, आंसर अपने आप जनरेट होगा। कभी भी बड़ा MCQ देख के घबराना नहीं, मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूं, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आपके राइट आंसर होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू भूल जाते हैं, डायरेक्ट चीजें पूछी जाती भूल जाते हैं, बट वो नहीं भूलेंगे। ओके फाइन, नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, ये भी आसान MCQ है। ए पेशेंट हैज अ फॉलोइंग आर्टरी ब्लड गैस एनालिसिस, PCO2 जो है यहां डिक्रीज हुआ है, PCO2 डिक्रीज हुआ मतलब ये एबनॉर्मल है, HCO3 भी डिक्रीज हुआ, देखना बच्चों HCO3 डिक्रीज हुआ, ये भी एबनॉर्मल है, और पीएच डिक्रीज हुआ है, देखिए पीएच डिक्रीज हुआ है, ये भी एबनॉर्मल है। अब आपको बहुत इजी तरीके से बताता हूं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तीनों एबनॉर्मल है, तीनों एबनॉर्मल है, तो क्या बताया मैंने बच्चों, पार्शियल। तीनों एबनॉर्मल क्या बताया बच्चों, पार्शियल। तो यहां पर याद रखना, तीनों एबनॉर्मल को हम पार्शियल कंपनसेट बोलते हैं, तो यह रेस्पिरेटरी वाले को अनकंपनसेट को हटा दो, फुल्ली को हटा दो, दो तो बाहर हो गए। अब पीएच कम हुआ है, पीएच कम हुआ, याद रखना पीएच जब कम होता है, पीएच जब कम होता है उसके साथ HCO3 कम हुआ, तो ये डेफिनेटली मेटाबॉलिक क्या होगा, एसिडोसिस होगा, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ क्या हो गया, पार्शियल कंपनसेट हो गया। कितना आसान MCQ है, कितना इजी तरीके से हम फाइंड आउट करें, शाबाश, पुट द राइट आंसर, पुट द राइट आंसर एवरीवन। तीनों एबनॉर्मल, जब भी मैंने आपको बताया तीनों एबनॉर्मल का मतलब होता है बच्चों पार्शियल कंपनसेट, तो दो तो पहले ही बार हो गए, फिर आपने देखा पीएच कम हुआ तो एसिडोसिस, पीएच के साथ कौन कम हुआ, HCO3 कम हुआ, तो दोनों क्या हो गए, मेटाबॉलिक, और आपका आंसर राइट हो गया, आपका आंसर राइट हो गया। गॉट इट एवरीवन, बहुत आसान वे में, बहुत इजी तरीके में। ओके फाइन, एक और MCQ, फर्दर MCQ हम देखते हैं। ये तो आप सभी ने करेक्ट कर दिया, और दिल्ली एम्स में भी आप ऐसा ही करने वाले हो, दिल्ली एम्स में, नॉर्सेट में भी इसी कॉन्फिडेंट के साथ आप आंसर दोगे, यू रियली फील प्राउड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ए पर्सन इज एडमिटेड इन अ कोमा। देखिए बच्चों फिर डराया, इन्होंने क्या लिखा, एक पर्सन है वो एडमिट हुआ और उसको क्या था, कोमा था। एनालिसिस ऑफ द आर्टेरियल ब्लड गैस फॉलोइंग वैल्यू PCO2, देखिए PCO2 यहां पर क्या है बच्चों, नॉर्मल है। HCO3 क्या है बच्चों, ऑलमोस्ट देखेंगे तो ये डिक्रीज हुआ है, तो ये अबनॉर्मल है। पीएच क्या है, 7.1 है, ये भी एबनॉर्मल है, और ये भी डिक्रीज हुआ। कितना आसान MCQ है, कितना आसान MCQ है। यस बिल्कुल सोनम, JINC है, मुमकिन है, ये आपका जो भरोसा है, आपका भरोसा ये और हमें मजबूत करता है, हम और मेहनत करेंगे, वो हर कंटेंट आप तक लाके छोड़ेंगे जो आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यहां पर मैंने कहा पर्सन वॉज एडमिटेड इन अ कोमा, एनालिसिस ऑफ द आर्टेरियल ब्लड गैस
द फॉलोइंग वैल्यू PCO2 36, HCO3 21, तो ये मैंने बता दिया pH कम है, HCO3 कम है और PCO2 नॉर्मल है, तो आपको आंसर पुट करना है, तो आपको आंसर पुट करना है मेटाबॉलिक एसिडोसिस लिखा है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस लिखा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस लिखा है और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्या आसान आंसर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस, फटाफट ऑलमोस्ट बच्चों ने आंसर पुट कर दिया है, ऑलमोस्ट बच्चों ने आंसर पुट कर दिया है और मैं भी पुट कर देता हूं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एक गुड न्यूज आपको दे देता हूं, आने वाले टाइम में कोविड 19 पे GINC स्पेशल क्लास होने वाली, बहुत जल्दी मैं इंफॉर्मेशन आपको पुट कर दूंगा। हो सकता है इस बार, मुझे पूरा भरोसा एम्स पे कि 2 से 3 MCQ कोविड 19 से पूछेंगे, 2 से 3 MCQ कोविड 19 से पूछेंगे, तो वो भी प्रिपेयर कर लिए, वो भी प्रिपेयर कर लिए आप तक पहुंचाने के लिए, वो भी प्रिपेयर कर लिए आप तक पहुंचाने के लिए। जल्दी एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, उसमें डेट और टाइम लिखा होगा, यू विल बी रेडी टू लर्न एवरीथिंग, टू लर्न एवरीथिंग विच इज कमिंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। मिस्टर SR मीना, थैंक यू सो मच। तो ध्यान से रहिएगा, हम उस हर पार्ट पे वर्क कर रहे हैं, हर पार्ट पे वर्क करें जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है, जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है। ऑलरेडी वी प्रिपेयर, ऑलरेडी वी प्रिपेयर। कोविड 19 आप सबके लिए बहुत जरूरी टॉपिक था और 2 से 3 MCQ आएंगे ही, 2 से 3 MCQ आएंगे ही, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं हमेशा कहता हूं चिंता हमारी है, चिंता हमें करना है, आपको सिर्फ उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ना है, जो कहा जाए उसको करना है और जिस चीज के लिए आपको हार्डवर्क के लिए बोला है वो भी पूरा करना है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके परिवार के हाथों में इस बार, और आपके परिवार ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ आपका सिलेक्शन देखना है और सिलेक्शन के बाद मिलेंगे GINC परिवार जोधपुर में। इंतजार रहेगा हर सेलेक्टेड कैंडिडेट का कि वो आए और उस खुशी को GINC परिवार के साथ सेलिब्रेट करें। तो बिल्कुल आप चिंता नहीं करें, क्या आएगा, क्या पढ़े, वो सब मेरा काम, वो सब GINC टीम का काम। आपको सब उस पाथवे पे चलना है, उस हर ऑब्स्ट्रक्शन को मिनिमाइज करना, हर उस रुकावट को दूर करना। इट्स ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। Only you will be run, you will be run. जहां दिक्कत आएगी आपकी GINC backbone बन के आपके पीछे खड़ी है। बिल्कुल ना घबराइएगा, तुरंत कोई क्वेश्चन में शक होता है, आंसर नहीं मिलता है, सोचना मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया है, मुझे उनके सामने अच्छा साबित करना, सिलेक्ट होके जाना है, उस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेंड करना। और मैं आपको एग्जाम से पहले बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आई थी, सर पेपर कैसे सॉल्व करना। बिल्कुल इजी वे से आपको बताऊंगा पेपर कैसे सॉल्व करना है। जब एग्जाम के लिए आप जाओगे उस समय आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बैठा हूं उसके लिए, आप उसके लिए ना घबराएं। कैसे जाना है, कैसे एग्जाम हॉल में एंटर होना है, कैसे पेपर सॉल्व करना है, आंसर नहीं आए तो क्या करना है। बिल्कुल महेंद्र, थैंक यू सो मच। एक एक उस थिंग्स पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, कूल माइंड से, पैशनेट माइंड से। तिरंगा लहराना, ध्यान रखना तिरंगा लहराना। हर एम्स में, हर वार्ड में GINC का मेंबर चाहिए मुझे, हर वार्ड में GINC का मेंबर चाहिए। बस आपका काम सिर्फ बताए हुए रास्ते पे चलना है, रास्ता बनाने की जिम्मेदारी GINC परिवार की। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हो, सिलेक्शन दूर नहीं है, सिलेक्शन तो होगा, बस तैयार रहिए सेलिब्रेट करने के लिए, तैयार रहिए सेलिब्रेट करने के लिए। ओके फाइन, नेक्स्ट MCQ की तरफ जाते हैं हम। 26 नंबर जो क्वेश्चन मैंने पुट किया है, ए क्लाइंट इज एडमिटेड विद अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ध्यान से पढ़ना बच्चों, थोड़ा सा मैंने यह क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया है। ए क्लाइंट विद एडमिटेड विद अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यहां ध्यान रखना बच्चों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब क्या हुआ है, उस पेशेंट का पीएच जो है वो डिक्रीज हुआ है, पीएच डिक्रीज हुआ है, उसके साथ बच्चों क्या हुआ है, HCO3 भी क्या हुआ बच्चों, डिक्रीज हुआ है। ये दोनों वैल्यू जब डिक्रीज होता है, व्हाट वी कैन से मेटाबॉलिक एसिडोसिस, व्हाट वी कैन से मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देन द नर्स इज कंसिडर्ड दैट टू बॉडी सिस्टम, मतलब डियर नर्स इज कंसिडर्ड टू बॉडी सिस्टम इंटरेक्ट विद द बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। मतलब कौन से आपके बॉडी के दो सिस्टम है जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दैट
प्रिजर्व हेल्थी बॉडी फ्लूड पीएच, व्हाट टू टू बॉडी सिस्टम, वो कौन से दो बॉडी सिस्टम है। क्वेश्चन बहुत आसान है कि आपकी बॉडी में दो कौन से सिस्टम है जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम को प्रिजर्व करके पीएच को हेल्थी रखते हैं। थैंक यू इंडिया ट्रस्ट ऑन जेएनसी जोधपुर। बिल्कुल चिंता नहीं करना बच्चों, आपको उन दो सिस्टम का नाम मैंने यहां पर पूछा है और आपका आंसर है स्केलेटल एंड नर्वस। ध्यान से सुनना, आपका आंसर है स्केलेटल एंड नर्वस। देन बी में मैंने पुट किया बच्चों सर्कुलेटरी एंड यूरिनरी, सर्कुलेटरी एंड यूरिनरी। सी में पुट किया बच्चों रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी। और डी में पुट किया बच्चों मस्कुलर एंडोक्राइन। एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। चारों ऑप्शन है ए बी सी डी, कौन से वो दो सिस्टम है, कौन से वो दो सिस्टम है। आपको राइट आंसर पुट करना बच्चों ए बी सी डी, कौन से दो सिस्टम है जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम को मेंटेन करके रिजर्व हेल्थी बॉडी फ्लूड पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। देखिए बलवीर चौधरी ठीक से पढ़े, आप गलत लिख रहे बेटा। बलवीर आपका आंसर गलत है, आपका आंसर गलत है। ध्यान से आंसर लिखें ए बी सी डी, ए बी सी डी विच इज द राइट आंसर। यस यस बहुत बढ़िया, दैट इज अ थिंग दैट आई वॉन्ट फ्रॉम योर साइड। बिल्कुल सही बच्चों, दो सिस्टम है रेस्पिरेटरी और यूरिनरी। मैंने दोनों में रेस्पिरेटरी में आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्क्रोसिस पढ़ाया, आज क्या पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्क्रोसिस। ओके बहुत बढ़िया, हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा और ट्रिकी है बट मुझे पूरा उम्मीद है आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे बच्चों। ए पेशेंट रिपोर्ट डायमोक्स, देखिए मैंने आपको ये डायमोक्स ड्रग के बारे में पढ़ाया था, कब पढ़ाया था, जब आपको ग्लूकोमा पढ़ाया था। डायमोक्स कौन सी ड्रग है बच्चों, एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड। और डायमोक्स को आप कहां यूज करते हो, हाइड्रोसिफिलिस वाले पेशेंट में हम देते हैं, हाइड्रोसिफिलिस वाले पेशेंट में देते हैं, वहां सीएसएफ का प्रोडक्शन कम करने के लिए देते हैं। दूसरा हम यहां पर ग्लूकोमा वाले पेशेंट को देते हैं और यहां पर एक्वस और विट्रस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करने के लिए देते हैं। ये ड्रग जो है वो एसिटाजोलामाइड ड्रग है, ये एसिटाजोलामाइड ड्रग है। और ये ड्रग हम दो कंडीशन में पुट करते हैं बच्चों, ये ड्रग हम दो कंडीशन में हाइड्रोसिफिलिस वाले पेशेंट देते हैं और ग्लूकोमा वाले पेशेंट देते हैं, दोनों में दोनों का प्रोडक्शन रोकने का काम करता है। हैज बीन रिपोर्टिंग कंफ्यूजन हो रहा है, फटीग हो रहा है, हेडेक हो रहा है। ऑन असेसमेंट यू नोट दैट पेशेंट इज एग्जिबिट का मतलब तो दिखना, एग्जिबिट क्या हो रहा है, डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन हो रहा है, विच आर्टेरियो ब्लड गैस फाइंडिंग बिलो कंफर्म द एसिड बेस इंबैलेंस द पेशेंट गिवन सिम्टम ऑफ मेडिकेशन यूजेस। देखिए थोड़ा ट्रिकी है, बहुत आसान है, थोड़ा ट्रिकी है बट बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने यहां वैल्यू पुट किया, मैंने वैल्यू पुट किया ए बी सी डी। ए में HCO3 कम हो रहा है, पीएच कम हो रहा है, PCO2 भी कम हो रहा है। आपको राइट आंसर पुट करना है, कौन सा आंसर जो राइट है। ज्यादातर बच्चों ने राइट आंसर पुट कर दिया, ज्यादातर बच्चों ने राइट आंसर पुट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल रवि चौधरी, यस माय डियर, ये यदि क्रैश कोर्स में आप इतने कॉन्फिडेंट हो तो रेगुलर बैच पढ़ने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होगा। इसलिए मैं उन बच्चों को हमेशा कहता हूं जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में और फ्रेशर है, जेएनसी का रेगुलर बैच मिस ना करना। ऑनलाइन आज लास्ट डे है, आज ऑफर है, कोर्स को खरीदे, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, बहुत मजा आएगा उस कोर्स में आपको। ओके फाइन, बहुत सही आंसर मैं बता देता हूं शॉर्टली, ज्यादातर बच्चों ने आंसर लिख दिया है। देखिए बेटा ए आंसर क्यों पुट किया मैं बताना चाहूंगा, द पेशेंट इज एट रिस्क फॉर द मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होगा, स्पेशली सिंस दे आर टेकिंग डायमोक्स। देखिए डायमोक्स में कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर बोलते हैं हम, डायमोक्स जो है कार्बोनिक इनहाइड्रेट इनहिबिटर विच रिड्यूस रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। और ये ड्रग जब बाइकार्बोनेट के रीअब्सॉर्प्शन को कम कर देगी, जब बाइकार्बोनेट के रीअब्सॉर्प्शन को कम कर देगी, बाइकार्बोनेट का लेवल कम होगा, बाइकार्बोनेट का लेवल कम होगा तो बच्चों पीएच कम होगी, और दोनों जब कम होते तो हम लोग मेटाबोलिक एसिडोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाबोलिक। इस तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिल्कुल ना घबराना, बहुत ईजी है, आप अच्छे वे से जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, इजी वे से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, गॉट इट एवरीवन। थैंक यू नेहा सोनी, थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू डियर, गॉट इट एवरीवन। ओके फाइन, आप नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्रिकी है बट मजा आएगा सॉल्व करने में। ए पेशेंट इज अ मेटाबॉलिक, देखिए मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस ड्यू टू द डायुरेटिक थेरेपी, माय डियर मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस की बात कर रहा हूं, एल्क्लोसिस की बात कर रहा हूं बच्चों। और मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस में आपकी पीएच जो है, पीएच कम होगा, देन एचसीओ3 भी क्या होगा, कम होगा। दोनों वैल्यू क्या हो रही है,
कम हो रही। अब यहां पर मैंने क्या लिखा, इंक्रीज पोटेशियम, डिक्रीज पोटेशियम, उसके साथ बाइकार्बोनेट। तो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, बहुत आसान है, फाइंड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि सामने मैंने ये इतना हिंट दे दिया है। HCO3 कम होगा, जैसे जहां जहां HCO3 जो है बढ़ा हुआ लिखा हुआ है, जहां जहां HCO3 बढ़ा हुआ लिखा है उनको अपन क्या कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे। दो ऑप्शन आपके सामने होगा बच्चों, दो ऑप्शन आपके सामने होगा, जहां इंक्रीज HCO3 लिखा है उसको आप क्या करोगे, सॉरी मेटाबॉलिक एल्क्रोसिस पूछा है, मेटाबॉलिक एल्क्रोसिस पूछा है, तो एल्क्रोसिस में सॉरी HCO3 जो होगा बेटा वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, और पीएच क्या होगा, पीएच क्या होगा, कम होगा। हम मेटाबॉलिक एल्क्रोसिस की बात करें, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेटाबॉलिक एल्क्रोसिस की हम बात करें, एल्क्रोसिस में क्या हो रहा है, पीएच बढ़ेगा, HCO3 HCO3 भी बढ़ेगा, पीएच भी बढ़ रहा है और HCO3 भी बढ़ेगा, और ये दोनों बढ़ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एल्क्रोसिस। जहां ये कम हो रहा, जहां HCO3 कम हो रहा उसको हटा दीजिएगा, यहां HCO3 कम हो रहा है, यहां HCO3 कम हो रहा है। अब आपके सामने ए और डी दो ऑप्शन है, ए और डी दो ऑप्शन है, आपको राइट आंसर पुट करना ए और डी में से, पुट द राइट आंसर ए और डी, आपके पास दो ऑप्शन है बच्चों। फिर से बता रहा हूं, पीएच बढ़ रही है, HCO3 बढ़ रही है, जहां HCO3 कम लिख रहा है उसको हटा दीजिएगा, उसको हटा दीजिएगा, आपके पास दो ऑप्शन है, फटाफट राइट आंसर पुट करिएगा, फटाफट राइट आंसर पुट करिए, ए बी सी डी, ज्यादातर बच्चों ने आंसर पुट किया, यही तो तरीका चाहिए, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। देखिएगा बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, ए पेशेंट हैज द फॉलोइंग आरटीओ ब्लड गैस PCO2 33, HCO3 15 और पीएच 23। फिर से बता रहा हूं, PCO2 जो है कम हो रहा है, एबनॉर्मल है, HCO3 कम हो रहा है, एबनॉर्मल है, पीएच कम हो रहा है, एबनॉर्मल है। जब तीनों एबनॉर्मल होता है तो क्या बोलते हैं बच्चों, तीनों एबनॉर्मल होता है तो क्या बोलते हैं, तीनों एबनॉर्मल होता है तो क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा है, पार्शियल, पार्शियल, पीएच कम है, HCO3 कम है तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक, पीएच कम है, HCO3 कम हो तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक। यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दैट इज अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पार्शियल कंपनसेट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्विक चलिएगा, साथ साथ में चलिएगा, फटाफट आंसर देते रहिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, थोड़ा बड़ा है बट आसान है, क्वेश्चन बड़ा बिल्कुल ना घबराएं, बट क्वेश्चन आसान है। देखिएगा, ए पेशेंट स्टेट दे हैव बीन वॉमिटिंग, देखिए वॉमिटिंग, वॉमिटिंग में क्या लॉस होता है, HCl, क्या लॉस होगा, HCl, HCl जब लॉस होगा तो पीएच क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी, पीएच क्या होगी, बढ़ेगी, HCl जब लॉस होगा पीएच क्या होगा, बढ़ेगा, पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। ए पेशेंट स्टेट दैट हैव बीन वॉमिटिंग फॉर द लास्ट फोर डेज, द पेशेंट इज इरिटेबल, वीक, रिपोर्टिंग मसल क्रैम्पिंग एंड वीकनेस, ऑन द असेसमेंट द पेशेंट एक्सपीरियंसिंग ब्रेडीकार्डिया विद द रेस्पिरेटरी रेट 10, द पेशेंट हैज द फॉलोइंग एबीसी रिजल्ट, HCO3 36 और पीएच 7.52। ये दोनों पैरामीटर क्या इंडिकेट करते हैं, ये मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस को इंडिकेट करते हैं, पीएच बड़ा। तो यहां मेटाबॉलिक एसिडोसिस को अपन क्या करेंगे, निकाल देंगे, यहां मेटाबॉलिक एसिडोसिस को क्या करेंगे, निकाल देंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ए और बी, दोनों में यहां लिखा मैंने, तीनों यदि दोनों वैल्यू, ये भी अबनॉर्मल, ये भी अबनॉर्मल, बाकी PCO2 भी abnormal है, PCO2 भी abnormal है, तीनों वैल्यू abnormal तो हम partial बोलते हैं। तो मुझे फटाफट आंसर दीजिए A और B, देखिए बच्चों कंफ्यूज ना होना, A और B, A और B, तीनों वैल्यू abnormal तो हो गया partial, और हमेशा याद रखना HCO3 के साथ pH बढ़ता है, HCO3 के साथ pH बढ़ रहा है तो क्या होगा, क्योंकि PCO2 बढ़ना does not indicating, दोनों साथ बढ़ रहे तो metabolic होगा, दोनों साथ बढ़ रहे तो मेटाबॉलिक होगा। तो फटाफट आंसर लिखिएगा, फटाफट आंसर लिखिए, कविता, मनप्रीत कौर, नवनीत कुमार, विजेता, बिल्कुल सही आंसर, ईश्वर, बेटा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, ध्यान से क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, इजी टू रिमेंबर होगा, इजी टू रिमेंबर होगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। यस यस, ए को लॉक कर दिया जाए, सारे बच्चे चाहते हैं ए को लॉक कर दें, और आपका आंसर बिल्कुल राइट है, आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट है बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके फाइन, ओके फाइन, विल गो फर्दर, नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू ऑलमोस्ट वो सेम एमसीक्यू है, फर्दर हम रिपीट नहीं करेंगे। अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइट, तो ये आपका था मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कोलोसिस पे बनने वाले एमसीक्यू, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट का, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट का। यहां तक जो हमने पढ़ा, यहां तक जो हमने पढ़ा वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कोलोसिस था। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अब यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्क्लोसिस पे गलत नहीं होना चाहिए, वो पार्शियल हो सकता है,
वो कंपनसेट हो सकता है, वो अनकंपनसेट हो सकता है. गॉट इट एवरीवन? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है रीनल सिस्टम का हम पढ़ेंगे यहां पर. हम सारे इलेक्ट्रोलाइट, देखिए बच्चों, सारे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में शॉर्ट रिव्यू करेंगे, सारे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में शॉर्ट रिव्यू करेंगे, और शॉर्ट रिव्यू करने के बाद क्वेश्चन भी पूछेंगे, साथ साथ में एमसीक्यू भी पूछेंगे, साथ साथ में एमसीक्यू भी पूछेंगे. आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ओके फाइन, इलेक्ट्रोलाइट की बात करें बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट की बात करें. इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वो सब्सटेंस है. इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वो सब्सटेंस है जो डिसॉल्व होता है, जो डिसॉल्व होता है. दैट इज सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, दैट इज अ इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज अ इलेक्ट्रोलाइट. ओके फाइन एवरीवन. उसके बाद पुट किया है एटम्स. देखिए एटम्स लिखा है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, जिसमें तीन पार्ट देखना है, तीन पार्ट देखना है. प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्जेस, न्यूट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रल. ये टर्म्स एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये टर्म्स एग्जाम में पूछा जा सकता है. गॉट इट एवरीवन? प्रोटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन का मतलब होगा बच्चों न्यूट्रल. न्यूट्रॉन का मतलब क्या होगा? न्यूट्रल. गॉट इट एवरीवन? Got it everyone? Okay fine. बच्चों फालतू किसी भी तरह का प्रकाश इस तरह का क्वेश्चन ना पूछे. आपको जो भी डिस्कशन करना है क्लास के बाद कॉल कर सकते हो. फालतू एम्स का एंड पेपर कहां भरा जाएगा? टाइम पास की जगह नहीं है. आपको हिडन कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, हिडन कर दिया जाएगा, ब्लॉक इट राइट नाउ. इस तरह का टाइम पास का कोई जरिया ना ढूंढे. ये JINC है या सिर्फ स्टडी की बात करें, सिर्फ स्टडी की बात करें. डोंट ट्राई टू इंटरप्ट और डिस्टर्बेंस द फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. एक बार समझ में नहीं आता तो आपको समझा दिया जाएगा, चिंता ना करें, तुरंत यहां ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा आपको. बिल्कुल आपको टॉपिक पे फोकस करना है. या फॉर्म कब भरा जाएगा, एग्जाम कब होगे, उसके लिए मैंने अलग से डिस्कशन कर लिया. या टॉपिक के बीच में फालतू का टाइम पास ना करें. आई रियली डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ रेडिकुलस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. सिर्फ टॉपिक की बात करें, क्वेरी आप पुट करें, डाउट पुट करें, ये कब होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, बाद में ढूंढ लीजिएगा, यहां वक्त नहीं अभी बताने का. ऑनली टॉपिक के बारे में बात करें. ब्लॉक इट कौन है? प्रकाश बड़ा, उसको ब्लॉक करिए. इस तरह के टाइम पास वाले बच्चे कभी सक्सेस नहीं हो सकते. ओके फाइन. नेक्स्ट मैंने मॉलिक्यूल लिखा है, मॉलिक्यूल टू और मोर एटम्स दैट कंबाइन फ्रॉम द सब्सटेंस. देखिए एटम्स का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट. एटम्स का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट. दूसरा एलिमेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स. एटम्स क्या होगा? जब दो या दो से अधिक एटम्स बनेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? मॉलिक्यूल्स. क्या बनेगा बच्चों? मॉलिक्यूल्स. गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन. ओके फाइन. अब आयंस में पुट किया मैंने कैटायंस और एनायंस. फटाफट एक शॉर्ट रिव्यू करते हैं. देखो बच्चों ये JINC है, ध्यान रखना. यहां भाई साहब, प्यारे दोस्तों, मेरे जी लगा के बात नहीं कि आप मेरे प्रिय स्टूडेंट हो, और आई टॉक एज ए स्टूडेंट, है ना, कि प्यारे दोस्तों फलाना जी आ जाओ, ये चीजें यहां नहीं होगी बेटा. पढ़ना है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है. टाइम पास करना है, मार्केट खुला है. ये JINC ध्यान रखना. आई रियली डोंट लाइक द पीपल दोज आर कमिंग फॉर टाइम पास. आई लाइक इट द पीपल दे आर कमिंग फॉर डू द हार्ड वर्क. आई एम डूइंग हार्ड वर्क, आई एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड ऑल्सो. इफ आई एम डूइंग हार्ड वर्क, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड. बट नेवर ट्राई टू इंटरप्ट. कोई जरूरत नहीं है मुझे. मैं कभी आपको जी लगा के नहीं बोलूंगा, कभी भाई नहीं बोलूंगा, कभी दोस्त नहीं बोलूंगा. ये जरूर कहूंगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, यू आर द माय स्टूडेंट. तो आप इस तरीके का एक्सपेक्टेशन JINC से ना कर सकते. मुझे वही बच्चे चाहिए जो मेहनत कर सकते मेरे साथ. मैं मेहनत पे भरोसा रखता हूं, मैं मेरे स्टूडेंट से वही एक्सपेक्ट करता हूं. जब मैं फ्रैक्चर हाथ से पढ़ा सकता हूं तो मेरे बच्चे एक कंफर्ट जोन में बैठ करके पढ़ सकते हैं. और ये जो कोई गाइड करके भेजता है कि जाओ टाइम पास करो, बर्दाश्त नहीं करूंगा बेटा. नेवर नेवर. ये JINC है, क्वालिटी है, कॉन्फिडेंस है, भरोसा है. टाइम पास बिल्कुल ना करें. इसका मैं बार बार इंस्ट्रक्ट नहीं करूंगा. आप थोड़ी भी बदमाशी करोगे आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर ये क्लास देखने को नहीं मिलेगी, क्लास देखने को नहीं मिलेगी. नेवर एंटायर कभी भी नहीं देख सकते अपने चैनल से. तो थोड़ा सा बिहेव लाइक ए गुड स्टूडेंट, बिहेव लाइक ए स्टूडेंट, है ना. ये कभी मत सोचना प्यारे बच्चों आ जाओ, फलाना जी आ जाओ. नेवर नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम माई साइड. यू एक्सपेक्ट
कि सर जब क्लास लेने आएंगे तो इतना कुछ हमें देंगे कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, तो मजा आएगा, तो मजा आएगा। ओके फाइन, कैरी ऑन। मैंने यहां बात की कैटायन और एनायन। बच्चों यहां पर इलेक्ट्रोलाइट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए आयन का मतलब था एटम्स दैट आर कैरी इलेक्ट्रिकल चार्ज। ध्यान से पढ़ना, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान से पढ़ना या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। मैंने क्या लिखा बच्चों, कैटायंस। क्या लिखा है? कैटायंस पॉजिटिव चार्जेस कैरी करता है, इसको लूजेस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। पॉजिटिव कैरी चार्जेस, देखिए ध्यान से रखना, टू कैरी पॉजिटिव चार्जेस, टू कैरी पॉजिटिव चार्जेस लूजेस इलेक्ट्रॉन, लूजेस इलेक्ट्रॉन। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, कैटायन में कौन आएगा बच्चों? पोटेशियम आएगा। कैटायन में कौन आएगा बच्चों? सोडियम आएगा। कैटायन में कौन आएगा बच्चों? मैग्नीशियम आएगा। कैटायन में कौन आएगा बच्चों? कैल्शियम आएगा। ये जो चार इलेक्ट्रोलाइट आपको दिख रहे हैं, ये चार इलेक्ट्रोलाइट आपको जो दिख रहे हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल। ध्यान से देखना, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये चारों कौन है बच्चों? कैटायंस। चारों कौन है बच्चों? कैटायंस। ध्यान से देखना, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन है, सीधा पूछेंगे एग्जाम्पल ऑफ कैटायन। आप लिख सकते हो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फोर एट एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चारों को क्या बोलते हैं? कैटायन। और कैटायन कौन होंगे? वो इलेक्ट्रोलाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी पॉजिटिव चार्जेस, वो इलेक्ट्रोलाइट जो पॉजिटिव चार्जेस को कैरी करने का काम करता है, दैट थिंग्स वी कैन से माय डियर कैटायंस। यदि हम एनायन की बात करें, एनायन को हम नेगेटिव चार्जेस बोलते हैं, एनायन को हम गेन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, गेन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एनायन कौन आएगा बच्चों? यदि एनायन की एग्जाम्पल की बात करें तो याद रखना फॉस्फेट, याद रखना फॉस्फेट, याद रखना क्लोराइड, याद रखना HCO3, याद रखना HCO3। देखिए बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसको हम क्या बोलते हैं? एनायंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एनायंस। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देन यू पीपल नीड टू बी रेडी टू डू विच आर द कैटायन, विच आर द एनायन। यहां तक कोई किसी को क्वेरी, आई होप किसी को क्वेरी नहीं होगा। ओके अब हम फर्दर चलते हैं, मैं एक एमसीक्यू के साथ आगे चलना चाहूंगा। क्वेश्चन मैंने पूछा कि मेजर सेकेंडरी इंट्रासेलुलर कैटायन, देखिए मेजर सेकेंडरी इंट्रासेलुलर कैटायन, मेजर सेकेंडरी इंट्रासेलुलर कैटायन कौन होता है? आंसर में लिखा है सोडियम, आंसर लिखा है पोटेशियम, आंसर लिखा है मैग्नीशियम और आंसर लिखा है कैल्शियम, आंसर लिखा है कैल्शियम। फटाफट आंसर लिखिएगा बच्चों, फटाफट आंसर लिखिएगा, विच इज द राइट आंसर? ए बी सी डी, ए बी सी डी। मेजर सेकेंडरी इंट्रासेलुलर कैटायन कौन है? पोटेशियम। देखिए बच्चों, पुरानी आदत छोड़ दो प्लीज, क्वेश्चन को दो बार पढ़ो, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। क्वेश्चन को पढ़ना ना भूलें, क्वेश्चन को पढ़ना ना भूलें। मेजर सेकेंडरी पूछा, नॉट प्राइमरी, मेजर सेकेंडरी पूछा, नॉट प्राइमरी। थिंक इट, सारे बच्चों आंसर गलत लिख रहे हो, यही गलती करते हो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, यही मिस्टेक वहां करोगे, यही मिस्टेक यहां करोगे। क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। मेजर सेकेंडरी नॉट प्राइमरी, नॉट प्राइमरी, सेकेंडरी पूछा है, सेकेंडरी पूछा है, सेकेंडरी पूछा है। ध्यान से आंसर लिखिएगा, मैं ऑप्शन देता हूं, सभी का आंसर यहां पर गलत। राइट आंसर क्या? मैग्नीशियम। क्वेश्चन को ना पढ़ोगे तो गलत आंसर करके आओगे, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ये क्वेश्चन को पढ़ेगा, मैंने मेजर सेकेंडरी पूछा है, मेजर सेकेंडरी पूछा है, नॉट प्राइमरी, नॉट प्राइमरी। यहां पर आप देखिएगा, इसी तरीके की गलती आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करते हो और एक एक नंबर से आपका सिलेक्शन वंचित हो जाता है, एक एक नंबर से आपका सिलेक्शन वंचित हो जाता है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि इस बार ऐसी गलती ना करें, पूरी उम्मीद करूंगा इस बार आप ऐसी गलती ना करें। छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को रिमेंबर करना ही सिलेक्शन होगा बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटे छोटे चीजों को रिमेंबर करना आपको सीखना होगा, क्वेश्चन का ठीक से पता ही नहीं और फटाफट आप रटा हुआ आंसर दे रहे हो, वही रटा हुआ आंसर। रट्टू तोता नहीं बनना है यहां पर, यहां समझना पड़ेगा, यहां समझना पड़ेगा। और लगभग मैं आपको 4 से 6 MCQ आपको यहां पर बताता हूं, 4 से 6 MCQ यहां पर आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। बहुत कम बच्चों ने सही आंसर पुट किया है, बहुत कम बच्चों ने सही आंसर पुट किया है। देखिए माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एक टर्म्स होता है इंट्रासेल्यूलर, ध्यान से देखो बच्चों, इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर का मतलब होगा इनसाइड द सेल, इंट्रासेल्यूलर का मतलब होगा इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, सेल के अंदर। दूसरा मैंने लिखा है एक्स्ट्रासेल्यूलर, दूसरा आपको लिखा है एक्स्ट्रासेल्यूलर, एक्स्ट्रासेल्यूलर का मतलब बच्चों क्या होगा?
आउटसाइड, क्या होगा आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के बाहर, मतलब सेल के बाहर। दो टर्म्स यहां पर, मीनिंग को ध्यान से देखिएगा, मतलब दिस इज माय डियर, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात करें कैटायन की, कितनी बात करें कैटायन। सपोज दिस इज योर सेल, सपोज दिस इज योर सेल, यहां प्राइमरी भी समझना होगा या सेकेंडरी भी समझना होगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये सेल है, यदि हम बात करें बच्चों प्राइमरी, यदि हम बात करें प्राइमरी, मैंने क्या पूछा है सेकेंडरी, यदि हम प्राइमरी की बात करें तो सेल के अंदर प्राइमरी इंट्रासेलुलर कैटायन आपसे पूछे है, सेल के अंदर प्राइमरी इंट्रासेलुलर कैटायन आपको पूछे है, तो ध्यान से आंसर लिखना। सेल के अंदर ज्यादा कौन होगा बच्चों, सेल के अंदर ज्यादा कौन होगा बच्चों, सेल के अंदर पोटेशियम, सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होगा, और सेल के बाहर यहां पर कौन है सोडियम। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आई थिंक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, मिनिमाइज हो जाएगा, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ रहा है, मिनिमाइज हो जाएगा, चिंता ना करें, चिंता ना करें, बिल्कुल ना करें। ओके फाइन, आई थिंक ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें यहां डिस्कस करें, ऑल इज वेल, यू हियरिंग मी एवरीवन, यू हियरिंग मी, ऑल इज वेल, आई थिंक समथिंग विल हैपन इन द इंटरनेट, आर यू हियरिंग मी, ऑल इज वेल, ओके 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 फाइन, ओके फाइन, ओके फाइन, वी विल गो गो देयर। सेल के अंदर, सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, सेल के बाहर सोडियम, ये कौन है प्राइमरी, ये कौन है प्राइमरी, ध्यान से देखिएगा दोबारा, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये क्या है प्राइमरी। अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि प्राइमरी इंट्रासेलुलर कैटायन, तो आपका आंसर सही होता, तो आपका आंसर सही होता पोटेशियम। यदि मैं पूछूं प्राइमरी एक्स्ट्रासेलुलर कैटायन, तो आपका आंसर आता सोडियम, तो राइट होता। आपने यही गलती की बच्चों, आपने यही गलती की, प्राइमरी नहीं मैंने क्या पूछ लिया आपसे, सेकेंडरी, और वो रटा रटाया जो आपने रट रखा है, इसलिए कहता हूं क्वेश्चन को दो बार पढ़ो, क्वेश्चन को दो बार पढ़ो, आंसर 100% आएगा। दूसरा, दूसरा यदि हम बात करें सेकेंडरी, यदि हम बात करें बच्चों सेकेंडरी, सेकेंडरी यदि हम बात करें सेल के अंदर, सेकेंडरी हम सेल के अंदर बात करें तो सेल में कौन होगा बच्चों मैग्नीशियम होगा, कौन होगा मैग्नीशियम, और सेल के बाहर कौन होगा बच्चों, सेल बच्चा कौन सा कैल्शियम, बच्चा कौन सा कैल्शियम। अब मैं पूछूं सेकेंडरी इंट्रासेलुलर कैटायन, तो आपका आंसर क्या होगा मैग्नीशियम, आपका आंसर क्या होगा मैग्नीशियम। और आपसे पूछूं कि सेकेंडरी एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन कौन होगा, तो आपको आंसर क्या होगा बच्चों कैल्शियम, आपका आंसर क्या होगा कैल्शियम। ये चीजें अभी इसी वक्त क्लियर हो गई, आई होप कोई क्वेरीज नहीं है, मैं उम्मीद करूंगा नेक्स्ट टाइम आप ये गलती दोबारा ना दोहराएं, क्योंकि दिल्ली एम्स में इलेक्ट्रोलाइट पे एक एमसीक्यू आएगा, एक इलेक्ट्रोलाइट पे एक एमसीक्यू आएगा। ये प्राइमरी, ये भी पूछते कभी कभी कि सेल के अंदर पोटेशियम कितना होता है, तो आप लिख सकते हो 98%, 98%। ये इंट्रासेलुलर है 98%, 98%, ध्यान से देखना। और एक्स्ट्रा सेलुलर में मैंने सोडियम पुट किया, एक्स्ट्रा सेलुलर में मैंने सोडियम पुट किया, इधर सेकेंडरी में इंट्रा सेलुलर कौन है मैग्नीशियम है, एक्स्ट्रा सेलुलर कौन है कैल्शियम है। अब दोबारा गलती नहीं होगी, अब दोबारा गलती, क्योंकि सारे बच्चों ने मिस्टेक किया, सारे बच्चों ने मिस्टेक किया, नेवर रिपीट, नेवर रिपीट। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव, फिर से एक बार बता रहा हूं, फिर से एक बार बता रहा हूं, यहां पूछेंगे प्राइमरी, प्राइमरी सेल के अंदर मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन कौन होगा पोटेशियम, सेल के बाहर कौन होगा सोडियम। यदि आप पूछे प्राइमरी सेकेंडरी इंट्रासेलुलर कौन होगा मैग्नीशियम, और एक्स्ट्रा सेलुलर कौन होगा कैल्शियम, यदि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों नहीं लिखे, सीधा पूछेंगे कि मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन, तो आप पोटेशियम लिख सकते हो, सीधा पूछे, या पर्टिकुलेशन पूछेगा तो आपको आंसर सही लिखना होगा। ये तो बात होगी बच्चों कैटायन की, ये तो बात होगी कैटायन की, विल गो फर्दर, विल गो फर्दर। यदि आपसे पूछेंगे एनायन की, यदि आपसे पूछेंगे एनायन की, मैं बता देता हूं, ये जो सेल है एनायन में, सेल में अंदर कौन होगा फॉस्फेट, सेल के अंदर कौन होगा फॉस्फेट, और बाहर कौन होगा क्लोराइड, बाहर कौन होगा क्लोराइड। यदि आपको एनायन का पूछा जाए, कैटायन आपने पढ़ लिया, एनायन का पूछा जाए कि एनायन में सेल के अंदर ज्यादा कौन होगा कि मेजर इंट्रासेलुलर एनायन, तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों फॉस्फेट, आपको आंसर क्या लिखना बच्चों फॉस्फेट। और आपको पूछे मेजर एक्स्ट्रासेलुलर एनायन, तो आपको आंसर क्या लिखना है क्लोराइड,
आपको आंसर क्या लिखना, क्लोराइड। अब कोई क्वेरी, हमने कैटायन भी पढ़ा, हमने एनायन भी पढ़ा, हमने मेजर इंट्रासेलुलर भी पढ़ा, मेजर एक्स्ट्रासेलुलर भी पढ़ा। दोनों में से क्वेश्चन बनते हैं, आपको दोनों में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दोनों में से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आप दोबारा गलती नहीं करोगे। कॉर्डिटोरियल, इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा टाइम लीजिए, दो बार पढ़े और लर्न करके आंसर दीजिएगा, लर्न करके आंसर दीजिएगा। ओके फाइन, यहां हमने कैटायन और एनायन की कहानी खत्म की, पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम क्लोराइड फॉस्फेट पढ़ा। अब हम फर्दर चलते हैं बच्चों, फर्दर स्टार्ट करते हैं सोडियम से, स्टार्ट करते हैं सोडियम। क्या क्वेश्चन बनते हैं सोडियम पे, क्या क्वेश्चन बनते हैं पोटेशियम पे, क्या क्वेश्चन बनेंगे कैल्शियम पे, क्या बनेंगे मैग्नीशियम। एक एक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में शॉर्ट रिव्यू करते हैं, एक एक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में शॉर्ट रिव्यू करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है इलेक्ट्रोलाइट पढ़ने के बाद में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू आर एबल टू सॉल्व द आंसर, यू आर एबल टू सॉल्व द आंसर। ओके फाइन, सोडियम की बात करें बच्चों, अभी मैंने आपको बताया सोडियम जो है, शॉर्टली मैं सोडियम के बारे में भी आपको बताऊं, दैट यू कैन सी, बहुत सारे एमसीक्यू मैंने एक साथ यहां पर पुट किया है और ध्यान से आपको समझना होगा सोडियम में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके बाद मैं फर्दर लेके चलूंगा। यहां पर देखिए बच्चों, नॉर्मल सोडियम का लेवल आप सभी को पता 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट होता है, एवरीबॉडी नो वेरी वेल, कोई क्वेरी नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है। ओके फाइन, दूसरा अभी मैंने बताया था मोस्ट अबंडेंट कैटायन कहां पर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, यहां आ गए ना, कहां पर एक्स्ट्रा। एक क्वेश्चन आएगा नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम, दूसरा क्वेश्चन आएगा सोडियम कौन सा कैटायन है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। उसके बाद आता है कि सोडियम को रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन है, यह भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, यह भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, यह भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछेंगे कि सोडियम को रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन है, सोडियम को रेगुलेट करना वाला, स्टॉप हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कर रहे, मिनिमाइज किया जा रहा है। ओके फाइन, ओके फाइन, आई थिंक अभी ठीक है, अभी ठीक है, फिर से दिक्कत आ रही है। ओके, वेट भी कर लिया करो, बिल्कुल निशा सही बोले, इतना बेसब्री क्यों, एवरीथिंग ओके, सब कुछ ठीक है, ओके फाइन, ओके फाइन। हम सोडियम के बारे में पढ़ रहे शॉर्टली, 135 to 145 इसका नॉर्मल लेवल है, मोस्ट अबंडेंट कौन सा बच्चों, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर में ज्यादा रहता है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा विच इज द सोडियम रेगुलेटरी हार्मोन, क्वेश्चन आएगा सोडियम को रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन है, आंसर क्या लिखना, एंडोस्टेरोन। याद करना उस रीनल ट्यूबुल्स वाले टॉपिक को जहां पर मैंने आपको पढ़ाया था नेफ्रॉन, क्या लिखा है, रीअब्सॉर्ब बाय 60% कौन करता पीसीटी, 30% कौन करता असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, 7% कौन करता डीसीटी और 3% कौन करता कलेक्टिंग डक्ट। याद होगा मैंने ये सोडियम के रीअब्सॉर्प्शन में आपको पढ़ाया था, सोडियम के रीअब्सॉर्प्शन में आपको पढ़ाया था। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा फूड है जिसको हम बोल सकते हैं कि द मोस्ट कॉमनली फूड विल यूज फॉर द सोडियम सप्लीमेंट। देखिए, बटर में सोडियम होता है, मिल्क में सोडियम होता है, टेबल साल्ट ये सबसे रिच सोर्स होता है बच्चों, ये सोडियम का रिच सोर्स होता है। क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, रिच सोर्स ऑफ सोडियम। याद रखना टेबल साल्ट, पता होगा ना टेबल साल्ट क्या होता है, टेबल पे रखा हुआ नमक, हम लोग खाना खाने से पहले बोलते नमक लेके आओ, तो टेबल साल्ट जो है द हैव सोडियम रिच, द हैव सोडियम रिच फूड। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद मैंने क्या है, दैट इज अ प्रोसीड्स आउट, दैट इज ओट सीरियल पे है, दैट आल्सो रिस्पॉन्सिबल, ओट सीरियल में भी क्या होता है, सोडियम होता है, यस नमक, बिल्कुल सही नमक। उसके बाद मैंने पुट किया कि सोडियम का काम क्या आपकी बॉडी में, व्हाट इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ सोडियम। याद रखना टू ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ये क्वेश्चन टाटा साल्ट फलाना साल्ट बेटा मार खाओगे, सोडियम जो है वो काम क्या करता है, इंपल्स को ट्रांसमिशन करने का काम करता है बच्चों। इंपल्स का ट्रांसमिशन आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम से बॉडी ऑर्गन तक होता है, ऑर्गन से बॉडी नर्वस सिस्टम तक होता है। तो ये मैंने कुछ बेसिक पैरामीटर पुट किया है। एक और बात आपको बता देता हूं, दो टर्म्स याद रखना, एक हम पढ़ते हैं हाइपरनेट्रीमिया,
एक हम पढ़ते हैं हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया का मतलब होगा ये जो सोडियम है, जो सोडियम है इसका लेवल मोर देन 145 मिली इक्विवेलेंट हो गया, मतलब सोडियम का लेवल जो है वो नॉर्मल से ज्यादा है तो हाइपरनेट्रीमिया कहलाता है। और वहीं यदि एक बात आती है हाइपोनेट्रीमिया, एक टर्म्स हम पढ़ते हैं हाइपोनेट्रीमिया, और हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या होगा बच्चों, डिक्रीज सोडियम 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये दोनों टर्म्स यहां पर इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरनेट्रीमिया और व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोनेट्रीमिया, व्हेन द इंक्रीज व्हेन द डिक्रीज व्हाट वी कैन से। बढ़ने को क्या बोलते हैं, कम होने को क्या बोलते हैं। हाइपरनेट्रीमिया की यदि हम बात करते हैं तो सोडियम का लेवल नॉर्मल से कितना 145 से ज्यादा है, हाइपोनेट्रीमिया की हम बात करते हैं सोडियम का लेवल 135 से कम है। दोनों टर्म्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसका काम क्या है, इंपल्स को ट्रांसमिशन करना, नर्व इंपल्स को ट्रांसमिशन करना। बेटा तनु तनु कॉपर पढ़ाऊंगा तब डिस्कशन करूंगा, कॉपर पढ़ाऊंगा तब डिस्कशन करूंगा। जो चीज पढ़ रहे हैं उसको सीखने की कोशिश करो, उंगली पकड़ाई हाथ ना मिला, उंगली पकड़ाइए हाथ ना मिला। कॉपर भी पहुंचेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यहां टाइम पास ना करें बिल्कुल फालतू में। ओके फाइन, नेक्स्ट में पुट कर सोडियम के बाद यदि बात करें सोडियम पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं शॉर्टली अपने देखा। अब फर्दर हम जाते हैं पोटेशियम, जो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है, जहां बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, विच इज बिलोंग फ्रॉम द पोटेशियम, विच इज बिलोंग फ्रॉम द पोटेशियम। देखिए बच्चों पोटेशियम सोडियम दोनों केटायन हमने पढ़ा, पोटेशियम सोडियम दोनों केटायन हमने पढ़ा बच्चों। देखिएगा पोटेशियम की मैं बात करूं नॉर्मल लेवल, ये बहुत कंफ्यूजन है, ये मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। पोटेशियम का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तो मैंने दिया 3.5 टू 5.5, एग्जैक्ट जो होता है वो 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। यदि इन दोनों में ये वैल्यू दिया होगा तो आपको राइट मानना है, यदि इन दोनों में ये वैल्यू दिया होगा तो आपको राइट मानना है। ये वैल्यू नहीं है तो 5.5 तक हम मैक्सिमम मानते हैं, 5.5 तक हम मैक्सिमम मानते हैं, बिल्कुल सुनिधि। बट यदि ये वैल्यू है कि 3.5 टू 5.1 एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, और मैक्सिमम 5.5 तक कंसीडर करते हैं, मैक्सिमम 5.5 तक कंसीडर करते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइट का नॉर्मल वैल्यू आपके डेली एम्स में आएगा, डेली एम्स में आएगा 101%, यू विल बी रेडी माय डियर। ओके फाइन, उसके बाद अभी मैंने आपको पढ़ाया था मोस्ट अबंडेंट कैटायन कहां था बच्चों, इंट्रासेलुलर, कितना परसेंट था 98%, कितना परसेंट था 98%। गॉट इट एवरीवन, क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, पोटेशियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कम से कम मैं आपको यहां पर 10 से 15 एमसीक्यू बताऊंगा, 10 टू 15 एमसीक्यू बताऊंगा बच्चों। ओके फाइन, उसके अलावा रेगुलेट अगेन कौन करा एल्डोस्टोन, सोडियम को भी कौन रेगुलेट करा एल्डोस्टोन, पोटेशियम को भी कौन रेगुलेट करा एल्डोस्टोन, दोनों का रेगुलेटरी हार्मोन सेम है, दोनों का रेगुलेटरी हार्मोन सेम है। यह सिक्रीट कहां से होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के, कहां कॉर्टेक्स के, सबसे बाहर वाली लेयर जिसका नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। ओके फाइन, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनता है कि ये रीअब्सॉर्ब कहां से होता है, रीअब्सॉर्ब की बात करें ओनली पीसीटी सम फ्रैक्शन बाय असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, कि पर्टिकुलरली कहां से रीअब्सॉर्ब होता है, मैक्सिमम पीसीटी से होगा, मैक्सिमम पीसीटी से होगा, कुछ जो है वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से होगा, कुछ अमाउंट जो है वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से होगा। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरी पारुल, दोनों ऑप्शन आए तो 3.5 टू 5.1 राइट करना है, 3.5 टू 5.1 को राइट करना है। ओके फाइन, दूसरा मैंने लिखा फंक्शन, पोटेशियम का काम क्या, सोडियम क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, सोडियम क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स बच्चों, और ये रेगुलेट करता है न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी और मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये आपकी बॉडी में पोटेशियम का फंक्शन है, ये आपकी बॉडी में पोटेशियम का फंक्शन है, कि व्हाट फंक्शन, व्हाट इज पोटेशियम डूइंग, पोटेशियम क्या करता है आपकी बॉडी में, तुरंत लिखना रेगुलेट न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी एंड मस्कुलर, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन। ओके फाइन, हम फर्दर चलते हैं हाइपर हाइपोकेलीमिया। देखिए यहां हाइपर हाइपर पे ईसीजी आती है, फिक्स आती कि हाइपोकेलीमिया में ईसीजीकल चेंजेस क्या है, हाइपरकेलीमिया में ईसीजीकल चेंजेस। ध्यान से बचाओ, मैंने आपको हाइपरनेट्रीमिया हाइपोनेट्रीमिया बता दिया, यदि यदि आपका पोटेशियम लेवल जो है लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं,
हाइपोकेलीमिया, क्या बोलते हैं हाइपोकेलीमिया, और ये यदि मोर देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, हाइपरकेलीमिया। क्या कहेंगे? हाइपरकेलीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपरकेलीमिया हाइपोकेलीमिया पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों नॉर्मल लेवल है, डिक्रीज और इंक्रीज अपने पढ़ना है, डिक्रीज और इंक्रीज पढ़ना है। मैंने यहां मेंशन भी किया बच्चों कि कॉज कौन, देखिए कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत बार कहता फलाना हाइपोकेलीमिया कॉज करता है, फलाना हाइपोकेलीमिया कॉज करता है। कॉज इंपॉर्टेंट, पहला क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, डायुरेटिक्स कैन कॉज हाइपोकेलीमिया, डायुरेटिक्स कैन कॉज हाइपोकेलीमिया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैन कॉज हाइपोकेलीमिया। दिस इज थिंग विच इज कमिंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं बच्चों। पहला लिखा है डायुरेटिक्स क्या कॉज करता है, बता दूंगा डायुरेटिक्स क्या कॉज करता है हाइपोकेलीमिया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या कॉज करता है हाइपोकेलीमिया। नेक्स्ट देखिएगा कुशिंग सिंड्रोम क्या कॉज करता है हाइपोकेलीमिया। देखिए बच्चों वॉमिटिंग और डायरिया, देखिए वॉमिटिंग और डायरिया दोनों में हाइपोकेलीमिया हाइपोनेट्रीमिया होता है बच्चों, हाइपोकेलीमिया हाइपोनेट्रीमिया होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगेट, ओके फाइन। इसके अलावा वुंड ड्रेनेज कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन, वुंड ड्रेनेज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू लॉस पोटेशियम, पर्टिकुलरली जीआई वुंड में, यदि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई हुंड है तो वो किसको लॉस करेगा, वो पोटेशियम को लॉस करेगा, वो पोटेशियम को लॉस करेगा। देन प्रोलॉन्ग्ड नेजोगैस्ट्रिक सक्शन, मतलब लंबे समय तक नेजोगैस्ट्रिक सक्शन चल रहा है तो पोटेशियम लॉस होगा। ये सीधे डायरेक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन है, डायरेक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन है माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देन एक्सेसिव डायफोरेसिस, एक्सेसिव डायफोरेसिस ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज हाइपोकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया। Then ECGical changes, ये एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों। हम यहाँ पोटेशियम कम होने की बात करें, हम यहाँ पोटेशियम कम होने की बात करें, यदि हम ECG की बात करें, देखिए मैंने आपको ECG पढ़ाया था, उसमें एक चीज क्लियर बताया था कि यू वेव प्रेजेंट होगा वो हाइपोकैलेमियम होता है, यू वेव हाइपोकैलेमियम होता है। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे पी है, क्यू है, आर है, एस है और टी। एक तो यू वेव प्रेजेंट है, दूसरा टी वेव जो दिख रहा है ये डिप्रेस्ड है, तीवे क्या इन्वर्टेड है। देखिएगा वाइड पीआर इंटरवल, एस टी डिप्रेशन, शैलो और फ्लैट और इन्वर्टेड तीवे और प्रोमिनेंट यूवे। आप इस ECG को देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूवे, यूवे प्रेजेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूवे, यूवे प्रेजेंट है, तीवे जो है वो डिप्रेस्ड है, इन्वर्टेड है, पीआर इंटरवल जो क्या है वो ऑलमोस्ट वाइड है, पीआर इंटरवल क्या है वाइड है। बट सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैं बता देता हूं, हाइपोकेलीमिया में टी वे इन्वर्टेड होगा, हाइपरकेलीमिया में टी वे टॉल होगा, हाइपरकेलीमिया में टी वे टॉल होगा। और 2000 कॉमन वैकेंसी में पूछा था एम्स ने कि हाइपरकेलीमिया में ECGical चेंजेस क्या होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, हम यहां पर भी डिस्कस करें, हम यहां पर भी डिस्कस करें, ओके फाइन, गॉट इट एवरीवन। ये यहां पर मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हाइपोकेलीमिया के कॉज कौन है, ECGical चेंजेस क्या है। याद रखना यू वेव इंपॉर्टेंट है, टी इन्वर्टेड है, पी आर जो है वो वाइडन है, ओके फाइन। अब बात आती है कि हाइपोकेलीमिया को ट्रीट करना है, हाइपोकेलीमिया को ट्रीट करना है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान से देखना। हाइपोकेलीमिया की हम बात करें, हाइपोकेलीमिया की हम बात करें ट्रीटमेंट मॉडलिटीज की, कि क्या क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हम यहां यूज कर सकते हैं हाइपोकेलीमिया को ट्रीट करने में, हाइपोकेलीमिया को ट्रीट करने में। मैं शॉर्टली आपको मैनेजमेंट बता देता हूं, क्यों मैनेजमेंट में दो क्वेश्चन बनते हैं, मैनेजमेंट में दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि हाइपोकेलीमिया वाले पेशेंट को ट्रीट करने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज आप यूज करोगे। देखना बच्चों क्या क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज आप यूज करोगे, आई विल शो यू, I will show you. Management of hypokalemia. Management of hypokalemia. It's very, very important for your competitive exam purpose. It's very, very important. You can see everyone. मैंने यहां लिखा स्पायरोनोलेक्टोन, पहला क्वेश्चन आता है बच्चों, पहला क्वेश्चन आता है स्पायरोनोलेक्टोन, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। स्पायरोनोलेक्टोन जो लिखा है इसको वाटर पिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, वाटर पिल बोलते हैं। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, वाटर पिल या पोटेशियम स्पेरिंग डायरोटिक्स, या हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, पोटेशियम स्पेरिंग डायरोटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायरोटिक्स। क्वेश्चन आया वाटर पिल किसको बोलते हैं। दूसरा याद रखना, कभी भी हम जब पेशेंट का पोटेशियम लेवल कम होता है, जब पेशेंट का पोटेशियम लेवल कम होता है बच्चों, तो कभी भी हम आईवी पुश नहीं करते, ध्यान रखना पोटेशियम सप्लीमेंट को नेवर पुश आईवी, IM और सबक्यूटेनियस। क्या लिखा हुआ है,
आईवी जब देंगे, आईवी जब देंगे पोटेशियम को, तो डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट ऑफ नंबर मोर देन 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज रिकमेंडेड। लगभग लगभग अपन देखें पेशेंट को 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा यदि अमाउंट ले रहे हैं तो 10 ml में डाइल्यूट करना है। किसमें देना है? 10 ml में डाइल्यूट करना है। और याद रखना रिकमेंडेशन इन्फ्यूजन रेट जो होगा 5 से 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर के हिसाब से होना चाहिए। यदि ये बढ़ गया, यदि ये बढ़ गया दैट इज रिस्पॉन्सिबल, कैन कॉज डिसअरिथमिया कर सकता है, कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। और डाइट में ये क्वेश्चन आता है बार बार कि पोटेशियम रिच फूड कौन सा होता है, पोटेशियम रिच फूड कौन सा होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बार बार पोटेशियम रिच फूड कौन सा होता है, तो आपको आंसर क्या लिखना, बनाना। आप सबको पता होगा बनाना क्या होता है, सबको पता होता है बनाना क्या होता है, पोटेशियम रिच फूड पूछा है, पोटेशियम रिच फूड पूछा, यू विल पुट दैट इज अ बनाना या वी कैन से ऑरेंज। Got it everyone? ये क्वेश्चन आ चुका है कि पोटेशियम रिच फूड कौन सा होगा, तो आपको आंख बंद के आंसर में यस बनाना, यस बनाना, बनाना विल बी गिवन एज अ पोटेशियम रिच फूड। ओके फाइन, ये तो शॉर्टली मैंने आपको मैनेजमेंट बताया विच इज कमिंग फ्रॉम द हाइपोकैलेमिया। अब हम फर्दर जाके देखते हैं हाइपरकैलेमिया के बारे में, क्योंकि हाइपरकैलेमिया पे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉज कौन सा होता है हाइपरकैलेमिया में। कुछ स्पेसिफिक कॉज मैंने यहाँ पर पुट किया है। हाइपरकैलेमिया का मतलब क्या होगा बच्चों, इंक्रीज योर पोटेशियम, जो पोटेशियम है वो मोर देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, दैट कंडीशन वी कैन से हाइपरकैलेमिया, दैट कंडीशन वी कैन से हाइपरकैलेमिया। व्हाट इज, सॉरी 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से यदि ज्यादा होगा दैट कंडीशन वी कैन से हाइपरकैलेमिया। ओके फाइन, अब मैंने यहां पर पुट किया क्लियरली आपके सामने कि हाइपरकैलेमिया के कॉज कौन है। देखिए सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सीधा क्वेश्चन कॉज का नाम लिखा होगा और आपको आंसर को फाइंड करना होता है, आपको आंसर को फाइंड करना होता है। ओके फाइन, मैंने कहा मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूशन कैन कॉज हाइपरकैलेमिया, क्योंकि दैट आर रिस्पॉन्सिबल, कैन इंटरप्ट द फंक्शन ऑफ द मिनरलोकॉर्टिकॉइड। दूसरा मैंने लिखा है एसीई इनहिबिटर। देखिएगा जब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स है एनालाप्रिल, कैप्टाप्रिल, ध्यान से रखना बच्चों, एसीई इनहिबिटर, ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन जो सेकंड में कन्वर्ट होता है उसको रोकने का काम करता है। जब रोकेगा तो एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं होगा, तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया, क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया। ओके फाइन, उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, हिपरिन, also responsible heparin, it's a very very important। heparin क्या करता है बच्चों, glomerulosa पहली जो लेयर है कॉर्टेक्स की बाहर वाली उसको सप्रेस कर देता है और वहां पर किसको सिक्रीट नहीं होने देता, एल्डोस्टेरोन को, तो पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं होगा और पोटेशियम एक्सक्रीट होगा दैट कैन कॉज। ओके नेक्स्ट मैंने लिखा है एंटीबायोटिक। देखिए ट्राइमिथोप्राइम लिखा हुआ है, एंटीपेरास्टिक जिसका नाम है पेंटामाइड लिखा हुआ है, ये दोनों ड्रग इनहिबिट करता है पोटेशियम के एक्सक्रीशन को, ये दोनों ड्रग पोटेशियम के एक्सक्रीशन को रोकने का काम करती है, पोटेशियम के एक्सक्रीशन को रोकने का काम करती है बच्चों। देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस बिकॉज इंक्रीज, अभी मैंने आपको बताया था बेटा, बिकॉज इंक्रीज एच प्लस आयन इन द सेल कैन डिस्प्लेस पोटेशियम आउट ऑफ द सेल, मैंने आपको कॉज बताया था उस समय, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज हाइपरकैलेमिया। छोटी छोटी चीजें हैं जो बिल्कुल डिगोक्सिन भी करते, छोटी छोटी चीजें हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट मैंने इंसुलिन डेफिशिएंसी भी लिखा है, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज। अब हाइपरकैलेमिया वाले पेशेंट का हम ईसीजीकल चेंजेस देखते हैं, तो ये एक और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है और यही एम्स 2000 वैकेंसी में पूछा है, एम्स 2000 वैकेंसी में पूछा हुआ है, टॉल पीक टी वे, फ्लैट पी वे, वाइडन क्यू आर स्क्वायर। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, दो फॉर्म में क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से देखिए, यहां पर आप ईसीजी में देखोगे क्लियरली मैंने मेंशन किया हुआ है दैट इज अ पी क्यू आर एस टी, तो टी जो क्या है टॉल, याद रखने का तरीका पोटेशियम बढ़ेगा टी वे ऊपर जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि अर्लीएस्ट चेंजेस इन ईसीजी पेशेंट सफर विद हाइपरकैलेमिया, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम आता है,
अर्लीस्ट चेंजेस इन ईसीजी पेशेंट सफर विद हाइपरकैलेमिया, तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, पीक टीवे, आपको आंसर क्या लिखना होगा, पीक टीवे। बहुत इजीली है, बहुत इजी एमसीक्यू है। आई होप यू आर एबल टू गिव आंसर, गॉट इट एवरीवन। तो ये इसिजिकल चेंजेस किसके, पोटेशियम के, ये इसिजिकल चेंजेस किसके, पोटेशियम के। तो यहां तक आज आपने पढ़ा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मैंने इलेक्ट्रोलाइट को स्टार्ट किया, है और इलेक्ट्रोलाइट में अभी फर्दर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और एआरएफ पढ़ेंगे, सीआरएफ पढ़ेंगे, डायलिसिस पढ़ेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आज की इसकी 2 आवर की जर्नी से आप लोगों ने बहुत कुछ गेन किया होगा, और वो सारी चीजें आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेनिफिट देगी, सिंपल वे में बताऊं तो आप लोगों का जो हार्डवर्क है, जो मेहनत है, ये बहुत अच्छे से आपको आगे तक लेके जाएगी, और आपका परिवार आपके साथ है, मैं हमेशा कहता हूं। तो इसी तरीके से भरोसा बनाए रखिएगा, जेआईएनसी जोधपुर हमेशा आपके लिए तत्पर और बैकबोन के रूप में खड़ा रहेगा। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे चलते रहना है, जहां आपका गोल और आपका डेस्टिनेशन आपको दिख रहा है, नजर सीधी वहां होनी चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे, हटाएंगे और आगे चलेंगे, और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गोल को हासिल नहीं कर लेंगे, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाएंगे। और इसी मोटिवेशन के साथ अगले 2 आवर्स के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए पीडियाट्रिक नर्सिंग में राजू सर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। शाम को 6 से 8 बजे एक और एनर्जेटिक क्लास होने वाली है। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।